फर्स्ट ऑफ ऑल वॉम वेलकम एंड हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल फोर्थ कमिंग सक्सेसफुल ह्यूमन बींग्स आज एक अलग अंदाज में बात कर रहे हैं एक सेशन अलग अंदाज मस्ती का अंदाज नाम ही रखा है पढ़ाई की मस्ती की पाठशाला हमें से जीवन सफ़र में शुरुआत जब भी किसी ने करी है पहला काम क्या किया पढ़ाई का जरा अपना रिवर्स गेट डालो बच्चों मैं आपसे ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप वापस बच्चे बन जाओ ज़रा लौटो अपने बचपन की ओर पढ़ाई शुरू होती थी आज आपके लिए पढ़ाई के सबसे से पहले प्ले स्कूल होता है बाद में नर्सरी स्कूल उसके बाद प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल फिर आपके कैरियर के हिसाब से आप आगे बढ़ जाते हो हम और अगर हमारी बात करें तो हमारे टाइम में तो हम पाठशाला बोलते थे पाठशाला में हमको टाट पट्टी पे दरी पट्टी बैठते थे बैठे हुए कब ऊँग गए कब लड़क गए नींद आ गई सपोर्टर बाई जी किसी ने आके उठाया जगाया मुंह धुलाया कुछ खिलाया और फिर आगे पढ़ाया ऐसे पढ़ाई मस्ती में होती थी जब ये काम मस्ती में होता है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं कौन है मस्ती करने वाला बच्चा और बच्चा कौन होता है बच्चों वापस अपने गुणों को जीवंत रखना ध्यान सुनना अगर ये गुण आपने आगे के सफर में जीवंत रखे आप किसी भी आकार का सपना देखिए मैं लिख के दे सकता हूँ वो सपना आपका साकार हो जाएगा कौन होता है बच्चा पहला गुण हमेशा आज में मस्त रहता है तो आज में जीता है और बिंदास हटा सावन की घटा मस्त होकर जी रहा है घर में देख सकते हो जब बच्चा मस्त होकर जीता है जब खुश होता है ताली बजाता है और उसको देख के कहीं और भी अच्छे वापस से स्माइलिंग फेस हो जाते हैं लौट जाते हैं इंसान की पहचान उनके पास वापस चेहरे पर आ जाती है दूसरा गुण आज में व्यस्त रहता है आपको भी अपने आज में व्यस्त रहना है एक घर में छोटे से बच्चे को देखो वो बिल्कुल बिजी है ऐसा लगता है उससे ज़्यादा कोई काम कर ही नहीं रहा लेकिन कैसा बिजी बिजी विदाउट एनी वर्क यही तो है मस्ती का काम मस्त भी और व्यस्त भी हैं तीसरा गुण उत्सुकता क्यूरियसिटी ये सब ने हमने जीवन में किया है अपने बड़ों से कई अन्य तरह के उत्पटांग ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिससे वो चकराए होंगे और आज हम याद करें तो लगता हंसी आएगी और कैसे क्वेश्चन पूछे थे हमने आज बचपन के क्वेश्चन को याद करते कुछ बातों को याद करते हँसी आती है लेकिन उस हंसी में क्या होता है अंदर अलग तरह एनर्जी होती है उत्सुकता एक्साइटमेंट उत्साह ये आज पढ़ाई में रखना चाहिए कोई भी जगह आपको लगता है वाई ऐसा क्यों वॉट हाउ कई तरह के ऐसे प्रश्न आपके चलने चाहिए उनको आपको हेजिटेशन से अंदर रोकने नहीं चाहिए खुलकर पूछने चाहिए जिनको आप डाउट बोलो या जिनके अंदर आप क्यूरसिटी बोलो उसको आप ऐसे कह सकते हो आज की पढ़ाई में इसको डाउट बोल देते हैं और चौथा बहुत गजब का गुण जिसके आगे सबको झुकना पड़ता है घर घर की कहानी है बच्चा बड़ा जिद्दी होता है और जिद के आगे तो वह हमेशा हर को झुका देता है और यह भी कहते हैं जो जिद्द करते हैं वह हमेशा सिद्ध होते हैं बच्चों आज वापस कह रहा हूँ बच्चे बन जाओ बड़ा आसान है हर काम पढ़ाई का काम बचपन से कर रहे हो और अभी तो आप देखो मस्ती से एक और मस्ती की बात आ गई खुशी की बात आई नहीं आई जैसे मालूम पड़ा प्रधानमंत्री की मीटिंग से फैसला हुआ सी की बारहवीं की परीक्षा रद्द और जैसे सी से बोर्ड ने बारहवीं की परीक्षा को रद्द किया और मालूम पड़ा कि साहब हर दिशा से नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट से साउथ से हर दिशा से हर राज्य के गवर्नमेंट के द्वारा उनके भी बोर्ड के परीक्षा कैंसिल 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 हर जगह बात आ रही है ये साहब हर जगह बात आ गई जैसे सीबीएसई बोर्ड ने कैंसिल किया सब कैंसिल करते चले गए और अब देखिए हम अगर सोचें तो शायद किसी बोर्ड का एग्जाम कभी कैंसिल हुआ होगा स्टेट बोर्ड का लेकिन सीबीएसई बोर्ड बहुत रेयर केस में एग्जाम कैंसिल करता है और यहाँ तो सब ने एक एक करके अपने एग्जाम को कैंसिल कर दिया जो ट्वेल्थ रनिंग बच्चे चल रहे थे उनमें खुशी की लहर स्टार्ट हो गई हर जगह खुशी चालू हो गई तीन चार दिन माहौल रहा खुशी का और इस समय यहाँ पर कहते हैं ना बच्चा खुश होता है आज जब नॉर्मल एग्ज़ाम देते हैं एग्जाम जब खत्म होते हैं तब अलग खुशी होती है जरा सोचिए अगर एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे तो अलग ही तरह खुशी होगी लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है किसी चीज़ का खुशी का भी असर कुछ समय तक रहता है और कोई दुख होता है उसका भी असर उस समय तक रहता है और जिस पल वो खुशी या दुख की बात आती है उस समय वो अपनी चरम स्थिति पर होता है अब यह आपके खुशी के हिसाब से आप आराम से इसके अंदर खुश हो गए मस्त हो जाओ एंजॉय करो अरे यार तो एग्जाम ही देना अडा सावन की घटा आपके इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो लास्ट टाइम दो में 2020 में दो दे में ट्वेल्थ चुके होंगे वो उल्टा सोच रहे होंगे यार ऊपर वाले से बड़ा दमदार झड़ारणदार क्या बोलना चाहिए बढ़िया झकास अपना नसीब बना के आए हैं बच्चे जो ट्वेल्थ के अंदर अभी 2021 में एग्जाम देते यार को तो एग्जाम देना पड़ेगा ये तो आराम से क्या करेंगे जो इनको करना वो पढ़ाई चालू कर देंगे हमें लगा तो पहले ट्वेल्थ का एग्जाम देंगे फिर शायद उनको समय मिलेगा तो अपने केरियर एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे ये वो कौन है दो हजार उन्नीस दो हजार बीस ये भी ट्वेल्थ के साथ निकल सकते थे लेकिन ये बड़े हो गए थे और मैंने शुरू में कहा था बच्चा हमेशा आज भी जीता है ये जो बड़े हो जाते हैं ना उनको फिर दिक्कत आती है फिर वो उनके स्ट्रेस प्रेशर टेंशन फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन ये जितने भी तरह की नेगेटिव टोनोलॉजी है ये उनके साथ जीवन सफर में जुड़ जाती है इंसान को हमेशा अंदर से खोखला बनाती है कमजोर करती है इंसान अपनी खुद की ताकत को नहीं पहचान पाता जबकि बच्चों में तो गजब की ताकत होती गजब की ताकत आज संयोग से मंगलवार भी है और हनुमान जी का नाम सुना होगा हर बच्चे में हनुमान जी से कम एनर्जी नहीं होती एक हल्का सा किस्सा सुनाता हूं हनुमान जी का आप सबको मालूम होगा भगवान राम के खास भक्त हनुमान जी त्रेता युग में भगवान राम हुए थे अरे नाम सुनोगा होगा रामलीला अरे रावण के हिसाब से लंका की आँख किसने लगाई थी हनुमान जी ने लेकिन कैसे हुआ जरा समझना एक हल्का सीन इमेजिन करिए राम जी की सेना समुद्र के किनारे बैठी हुई है और सब वानर सेना भी बैठे हुए हैं एक जगह हनुमान जी भी थोड़ा सा खोए हुए बैठे हुए हैं उदास तो कभी होते ही नहीं कुछ सोच में खोए बैठे हुए हैं उसी सेना में दो इंजीनियर थे नील और जामवंत उस समय भी इंजीनियर होते थे वो दोनों हनुमान जी के पास आए बोले हनुमान तुम किस सोच में खोए हुए हो मैं सोच रहा हूं कि ये इतना बड़ा समुद्र कैसे लांग के जाऊं कैसे माता सीता के पास जाऊं कैसे उनका पता लगाऊं कैसे भगवान मेरे श्री राम मेरे जो स्वामी हैं उनके चेहरे पर खुशी लाऊं अरे हनुमान तुम एक समुद्र की बात कर रहे हो अरे तुम तो सात समुद्र एक साथ लांग सकते हो तुम भूल गए क्या तुम तो कुछ भी कर सकते हो और जैसे हनुमान जी को याद दिलाया कि वो कुछ भी कर सकते हैं तो उन्हें एकदम हवा में छलांग लगाई और बाकी ने पूछा हनुमान कहाँ जा रहे हो बस यही जवाब दिया सीधे माता सीता का पता लगाऊंगा उनके पास जाऊंगा और सीधे अपने भगवान श्री राम के लिए खुशी का समाचार लाऊंगा और हनुमान जी ने सीधे एक साथ छलांग लगा के सीधे जाके लंका पे लैंड किया और रावण की ऐसे की तैसी कर दी लंका को जला के राख कर दिया खाक कर दिया सबको साफ कर दिया यह है एनर्जी हनुमान की लेकिन यहां एक बात देखिए आपने हनुमान जी को याद दिलाया नील और जामवंत ने क्योंकि उनको किसी ने श्राप दिया था एक बार आप सबने सुना होगा हनुमान जी ने अब इतनी एनर्जी थी वो कुछ भी कर सकते थे एक बार सन को सूर्य को एप्पल मानने के हिसाब से मैं तो इसे खाऊंगा और छलांग लगा दी और सन को मुंह में ले लिया था और खाने ही वाले थे कि सभी देवता लोग घबरा गए कि अगर ऐसा हो गया तो सब जगह अंधकार से जाएगा क्या होगा ये तो हमारा गजब का मेन सोर्स है हमारा सोलर एनर्जी का सन तो एकदम सबने उसी समय हनुमान जी को कोई इशारा किया किसी ने और हनुमान जी रुक गए एकदम ऐसा क्या हुआ सब हवा में कैसे आ गए देवी देवता कैसे आ गए कुछ पल के लिए वो मोमेंट रुका एक ऋषि आगे आए बोले हनुमान तुम कुछ भी कर सकते हो ये तुम्हें करके दिखा रहे थे लेकिन आज तुमने गलती करी है मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ये भूल जाओगे कि तुम क्या कर सकते हो वैसे तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन तुम भूल जाओगे तुम क्या कर सकते हो और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम वापस वो कुछ भी कर जाओगे जो तुम कुछ भी कर सकते हो इसीलिए उस समय नील और जामवंत ने जब उनको याद दिलाया तो हनुमान जी को याद आया और कुछ भी करके दिखाया बच्चों ऐसे में आज आपको याद दिला रहा हूं आप बच्चे बन जाओ बच्चों में गजब की एनर्जी होती है जो चाहो कर सकते हो बारी बार ऐसे याद नहीं दिलाया जाएगा क्योंकि अब तो उसके बाद फिर अंडरग्राउंड होकर क्या करना है क्या नहीं करना है आपको सोचना है खुशी आपके सामने है आपको अब इस समय ट्वेल्थ का एग्जाम नहीं देना है मानो आपके लॉटरी लग गई अब आपके मन में दो बातें आ सकती है एक सोच हो सकती है सोच कैसी हटा सावन की घटा यार मस्ती से अब एग्जाम वैक्साम तो देना ही नहीं है अब क्या करें चलो यार रिलैक्स बाहर गर्मी है कोरोना है घर के बाहर जाना नहीं अंदर ही रहना है क्या करें चलो यार मस्ती से रात तो सोने के लिए होती है और अपन दिन में भी आराम से एसी की हवा कूलर की हवा लेंगे और आराम से खाना पीना जो करना करेंगे और जो जो इस एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में कर नहीं पा रहे थे वो मस्ती दिल खोल के करेंगे जो मन में आएगा करेंगे आराम से पिक्चर देखेंगे आराम से अपने फेसबुक इंस्टाग्राम जो छोड़ रखा था उसके अकाउंट को बढ़ाएंगे अपने और फॉलोअर्स बढ़ाएंगे अपने और फ्रेंड्स को बढ़ाएंगे और अपन आगे चलें मूवी देखेंगे और अपन अंदर घर में जो कर सकते वीडियो गेम खेलेंगे मोबाइल क्योंकि घर में जो कर सकते हैं वो सब करेंगे हर तरह से एंजॉय के जो साधन है ने नेटफ्लिक्स पे मालूम पड़ा पिक्चर देख रहे हैं या वेब सीरीज़ देख रहे हैं जो चाहे करेंगे यार पहले आराम से ये सब करेंगे क्योंकि सब रुका हुआ था अब जब वापस से सेशन चालू होगा तो फिर आराम से 2022 के अंदर जाके अपना जो भी करियर एग्जाम है उसके लिए कंप्यूट एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे और पंडित जी से जब मोहरत निकालेंगे पढ़ाई का मुहूर्त निकालना पड़ेगा तब रिजल्ट अच्छा आएगा ऐसा लगता है एक सोच तो आपकी यह हो सकती है दूसरी सोच यह भी हो सकती है यार हम ट्वेल्थ रनिंग तो है ही हम तो ट्रैक पे दौड़ रहे थे ठीक है साहब ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम सारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए भले सी बी एस सी बोर्ड हो कि आई सी एस सी बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो सब कैंसिल हो गए तो इसे हम ट्रैक पर दौड़ रहे हैं ये पहले बोर्ड था उसके बाद कंपनी एग्जाम था ये बोर्ड का एग्जाम कैंसिल वो हट गया तो आगे क्या दिख रहा है कंपनी एग्जाम दिख रहा है भला वो नीट का हो कि जेई का हो अरे हमने साइंस क्यों ली थी हमने साइंस बायो क्यों ली थी साइंस मैथ्स क्यों ली थी हमने टेंथ के बाद ये साइंस का सिलेक्शन क्यों किया था कि हमें बीएससी करनी है क्या हमको अलग से वापस से एक साल को लगाकर ड्रॉप कर करकर और लोगों के ताने सुनकर कि ड्रॉपर हो एक साल ड्रॉप कर रहे हो क्या क्योंकि लोग बाद में आपको संबोधित करेंगे क्या उसके लिए किया था क्या हमने ये सोचा था कि हमको ट्वेल्थ के साथ नहीं जाना हमें पहले ट्वेल्थ के साथ बोर्ड करेंगे उसके नंबर लाएंगे और आराम से बाद में एक साल हमारे कंप्यूटी एग्जाम की तैयारी कर लगाएंगे क्या ये सोचा था नहीं आप अभी देख रहे हैं अवसर है वैसे तो बच्चे टेंथ के बाद जब मालूम है क्योंकि अभी मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपका स्कूल का तरीका क्यूरिकम क्या चलता है पहले प्ले स्कूल उसके बाद नर्सरी फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी और उसके बाद टेंथ के बाद आपके वो दो साल जिसमें आपने टेंथ के साथ अपने को सोचा है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है कि मुझे इंजीनियर बनना है कि मुझे चार्ट बनना है जो भी बनना है अब जिसने सोचा मुझे डॉक्टर या बनना आई आई उसने साइंस बायो या साइंस मैथ्स लिया 11, ट्वेल्व ये दो साल का ट्रैक का सफर आपका ओरिएंटेड होता है कई बच्चे तो ऐसे होते हैं टेन के बाद उस दो साल की तैयारी चालू कर देते हैं ये तो वो पहले से चालू हो गए और कहते जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो खोवत है लेकिन ये भी कहते हैं जब जागो तब सवेरा कोई बात नहीं जो अभी टेंथ के बाद दो साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत बढ़िया सिलेक्शन मिल सकता है क्योंकि उनके लिए जो बोर्ड के एग्जाम में और सब्जेक्ट देने थे वो हट गए उनका इंग्लिश हट गया फिजिकल एजुकेशन हट गया उनके जो अपने ऑप्शन सब्जेक्ट हैं जिसके लिए उन्होंने अपना कैरियर सोचा था भले वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो एज ए डॉक्टर या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो एज ए इंजीनियर एज ए आई जो सपना देखा था दो साल के सफर में उनको आराम से मिलेगा मैं लिख के दे सकता हूँ जो ईमानदारी से, से ट्रैक पर चल रहा है उनके सलेक्शन को कोई ताकत रोक नहीं सकती वो भी अच्छी रैंक से लेकिन मैं ये भी लिख के दे सकता हूँ कि आज जो बच्चों ने ये कमिटमेंट कर लिया यार मैं तो पढ़ूंगा क्यों मैं एक साल का इंतजार करूं क्यों आगे मैं एक साल अपनी जिंदगी लगाऊं आपको मालूम है एक साल जिंदगी कितना अनमोल होता है अगर आप अपने ट्वेल्व के रनिंग स्टूडेंट के साथ जो आपका साथी है दोस्त है आप उससे अगर एक साल बाद अपने लाइफ के करियर के कॉलेज में जाते हो ड्रीम कॉलेज में जाते हो करियर के लिए आप कितना बड़ा गैप डेवलप हो जाएगा उस गैप को कभी भर नहीं पाओगे उस गैप को फिलिंग को कभी पाट नहीं पाओगे इसलिए एक साल बहुत अनमोल होता है और इस समय वो जो साल लगाओगे उसमें आपको बाहर के लोग ड्रॉपर कहेंगे रिपीटर कहेंगे वो आपको अंदर से खोखला करेंगे हम इस संबोधन से हमें हमेशा नेगेटिव थॉट आएंगे जबकि आज आप एंथेम ट्वेल्थ रनिंग हो अरे दौड़ रहे हो दौड़ में क्यों रोक रहे हो क्यों रनिंग को रोक रहे हो दौड़ते दौड़ते अगर ये बीच का बोर्ड एग्जाम हट गया तो क्यों नहीं आपका जो कंपनी एग्जाम है उसको दे दो और देना चाहिए मस्ती से देना चाहिए और इसका नाम ही रखा है पढ़ाई की मस्ती की पाठशाला जहां आपको मालूम पड़ा कि आपके एक तो सारे एग्जाम कैंसिल हो गए ट्वेल्थ बोर्ड के और दूसरा सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने किया तो बाकी सबने फॉलो किया और ऐसा क्यों किया क्योंकि आपके दोनों एग्जाम नीट का हो या -मेंस का हो इसे कंडक्ट कौन करता है सीबीएसई करता है इस सब उसको फॉलो करते हैं सीबीएसई ने कैंसिल करा उसके बाद आईसीसी बोर्ड जो उससे ऊपर भी लेवल का बोर्ड होता है लेकिन उसमें इतने बच्चे नहीं होते ऑल ओवर इंडिया में लेकिन उसने भी कैंसिल कर दिया और बाद में एक एक करके आप देख रहे हो लगातार आ रही खबर स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड सब कैंसिल होते जा रहे हैं अरे ये आपका जो सीबीएसई बोर्ड है ये जब आपके लिए इस एग्जाम को सीबीएसई कंडक्ट करती है दोनों को भले नीट हो या जेई हो ये तो समझदार को इशारा काफी है ये तो आपको एक तरह से ट्वेल्थ रनिंग बच्चों को फेवर कर रही है अपने लिए वो जो एजेंसी एन है वो भी आपकी वही फेवर कर रही है अरे यहां तक जो आपकी पढ़ाई की आपकी भी टेक्स्ट बुक थी इलेवन ट्वेल्व के साथ जो सीबीएसई की एनसीआर बुक है उसको भी वो फेवर करते हैं प्रमोट करते हैं प्रेफर करते हैं अरे मैं सीधा इशारा कर रहा हूं आपका अधिकतर पेपर आपके एनसीईआरटी बुक से आता है जिसको आप 11, 12 दो साल से पढ़ रहे हैं अरे अब तो समझो कितनी मस्ती की पढ़ाई है अरे अब तो ऐसे बोलना चाहिए यार मस्त रहो पढ़ाई की मस्ती में और आग लगे हमारे दुश्मन की बस्ती में आपके लिए इस समय बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जरा सोचिए मन में आ रहा है दो सोच थी दूसरी सोच मुझे अच्छी लग रही है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एनालिसिस करते रहते हैं अभी आपको लगा बच्चे नहीं रहे जैसे मालूम पड़ा एक एक करके सारे स्टेट बोर्ड ने अपने ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया सी बी एस ई के बाद तो ये सोचेंगे यार ये कैंसिल क्यों कर दिया अब यार तो डिफरेंस हो गया हम तो पढ़ाई कर रहे थे अब सब इक्वल लेवल पे नहीं हुए अब क्या पैटर्न से करेंगे कोई तरीका तो होगा उनकी अटकेले चालू हो गई अब क्या करेंगे गवर्नमेंट क्या सोचेगी कोई तरीका तो होगा कैसे पास करेंगे आगे इनको नंबर देखने, कैसे भेजेंगे कैसे मेडिकल के गलत क्यों बोल रहा हूं अरे भाई ये क्यों कर रहे ऐसे पैलाइसिस हो जाता है जो ज्यादा एस एनलाइसिस करते पैलाइसिस हो जाता है और ये वो बच्चे नहीं रहे बच्चा कौन होता है अरे यार जो चीज मेरे हाथ में नहीं है हम ऐसे चलना चाहिए जीवन के लाइफ के अंदर इस तरह चलना चाहिए सामने की कंडीशन अगर आपके आउट ऑफ कंट्रोल है वो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है तो आपको सीधा बोलना चाहिए सो वॉट इट इज परफेक्टली ऑल राइट आई टू एक्सेप्ट इट ऑल इज वेल और मस्त अंदाज में अपना जो है करने के लिए बढ़ जाना चाहिए एक्शन में आ जाना चाहिए यह है तरीका जीने का बच्चे बने रहो बड़े मत बनो फालतू में खुद का नुकसान होगा और कई बार ऐसा सुनने में आता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एनर्जी कम करने के लिए टोन आपसे बोलेंगे बेटा एम्स का सपना देखा है आईटी का सपना देखा है आईटी में जाना बच्चों खेले बच्चों, एम्स में जाना बच्चों खेले बच्चों, ऐसे बोल सकते हैं ये जो बोल रहे हैं ना ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं हमने इतने लंबे अपने बत्तीस साल के सफर में लगभग तैंतीस साल के सफर में आज तक जब भी कोई न्यू दिल्ली एम्स हो डॉक्टर प्रोफेशन के हिसाब से या आई का टॉप आई पवई मुंबई हो हर जगह किसी भी आई में एनआईटी में किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई भी तरीका और एल आई एम्स में केवल और केवल बच्चों को जाते हुए देखा है बड़ों को आज तक जाते हुए नहीं देखा इसलिए वास्तव में बच्चों के लिए खेल है एक दिमाग की खेल है और हर खेल को खेलने के नियम होते हैं समझदार अब बनना चाहिए सोचना चाहिए मैं तो दिल लगा के पढ़ूंगा मन लगा के पढ़ूंगा सिलेक्शन होता नहीं होता भाड़ में जाए मैं अपना बेस्ट करूंगा अरे तुम अपनी ओर से ईमानदारी से हॉनेस्टी से अपना काम तो चालू कर दो कहते हॉनेस्टी ऑलवेज रिवार्डेड ऊपर वाला भी तो देख रहा है वो चित्र गुप्त है आपके हर चित्र को गुप्त रोक के लगातार खींच जा रहा है उससे कोई बच नहीं सकता और जब ईमानदारी से अपनी अदालत में आप अपना बेस्ट करने की तैयार हो जाओगे आप सत्तर दोगे तो वो मिला देगा अस्सी दोगे तो वो मिला देगा आपके रिजल्ट को हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव बना देगा पक्की बात है नोट कर लीजिए एनर्जी आ गई वैसे भी अंदर एनर्जी है केवल उसको इग्नाइट करना था उसे एक्टिवेट करना था अब आप सीधे बस इस समय अपने को जब बाहर की स्थिति गर्मी है लेकिन अंदर भी गर्मी है कैसी बर्निंग डिजायर है कि ट्वेल्थ के साथ जाना है और नाम ही आपका एंथ मतलब एनर्जी का भंडार है दौड़ रहे हो ट्वेल्थ रनिंग हो तो इस दौड़ के साथ सीधा अपने आप को अपना जो भी आपका घर के अंदर कमरा है उस पढ़ाई के कमरे को आगे का जो भी सफर है उसके लिए अपना जो भी एग्जाम का दिन आपका रह गया यहां से भले वो नीट हो या जय हो उसके हिसाब से अपने आप को उस कमरे के अंदर अपने उसको दुनिया बना लो अंडरग्राउंड हो जाओ और फिर जब जितने दिन बाद एग्जाम फाइनल डे दे देने जाओ तो अपने नाम के आगे सोचना कि आपका वो गोल्डन बर्ड लग चुका है केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम देने जा रहे हो आपका पढ़ने का अंदाज आपके ट्वेल्थ के साथ आपके अपने ड्रीम केयर कॉलेज में एक सीट पक्की कर चुका है तो व्हाट नेक्स्ट अब तो क्लियर हो गया कि दिमाग में क्या होना चाहिए नेक्स्ट चार वाइक लोका सिद्धांत की तरह खाओ पियो ऐश करो वो करना है कि बाद में मुहूर्त निकाल के पढ़ाई करेंगे ऐसा या अभी दिख रहा है अभी कर लें तो ये जो अवसर है ना ये बारी बार नहीं आता है हर साल ऐसे एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे ध्यान रखना बच्चों आप अलग तरह का नसीब लेके आए हैं और ध्यान रखना अपॉर्चुनिटी ये आपकी वो बुक्स मालूम है आपने इलेवेंथ में ट्वेल्थ में इनके साथ पढ़ाई का सफर तय किया है आधा ध्यान फिजिक्स में चार बुक दो इलेवेंथ में दो ट्वेल्थ में पार्ट वन पार्ट टू केमिस्ट्री में चार बुक दो इलेवंथ में और दो ट्वेल्थ में पार्ट वन पार्ट टू और आपके मैथ्स की बुक्स और बायो की बुक्स आप देख रहे हैं मैथ्स में भी चार बुक है और आपके बायो की दो बुक है अब ये अपने को साफ दिख रहा है यार ये तो वो बुक है जिनको पढ़ रहे थे आराम से इलेवेंथ में ही पढ़ा ट्वेल्थ में भी पढ़ा अब तो केवल यही था कि स्मार्ट तरह से पढ़ना है और बच्चा क्या है ऑलवेज बिजी विदाउट एनी वर्क विदाउट एनी जॉब छोटा बच्चा लेकिन हमको बनना कैसा एक गोल लेके चलना है एक टारगेट लेके चलना है हमारे लिए इस समय ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि तय कर लिया कि आप अब पढ़ना है बच्चों ध्यान रखना इन इंडिया मनी ड मैटर स्टेटस मैटर स्टेटस आज आप लोग व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस बदलते रहोगे किसी का अच्छा लगाओ लगा लोगे कोई बोलेगा इसको वायरल करना लगा लोगे और अपना खुद का लगाओ ना स्टेटस और स्टेटस क्या है डॉक्टर आई सोल्जर कलेक्टर आई ऑफिसर चार्टेड ये लोग हैं जो पढ़ाई के बलबूते पे अपना कैरियर बनाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा मैं बोलूँ तो ये जो दो सम्मान वाले वो हैं डॉक्टर और सोल्जर अरे डॉक्टर तो गजब का है कहते हैं डॉक्टर प्रोफेशन में स्टार्ट लेट होता है लेकिन जब होता है तो उसका जब तक लास्ट में उसकी खुद की पल्स खत्म नहीं होती लास्ट मोमेंट जब तक तो उसकी पल्स चल रही है तब तक डॉक्टर एक अर्निंग सोर्स का मेंबर होता अपने फैमिली में यानी कि लास्ट मोमेंट तक वो रिटायर्ड नहीं होता ऐसे डॉक्टर प्रोफेशन में वो ह्यूमन बींग कभी रिटायर्ड नहीं होगा आई के अंदर कहते हैं कि एक जल्दी शुरुआत होती है और एक अपने लिए कह दीजिए पैसा कमाने के साथ अगर बोलूँ जो हर का मन में रहता है पेरेंट्स भी चाहते हैं तो वो जल्दी शुरुआत हो जाती है अब लगता है डॉक्टर अरे डॉक्टर कमाना चालू करे तो गजब कमाता है आज कोई क्वारियो सर्जन बन जाए तो जब एक ऑपरेशन करे सीधे पांच लाख लेगा तो दोनों कोई किसी से कम नहीं है अपने अपने च्वाइस के आपने अपने सपने देखे हैं और ये जो डॉक्टर है ना ये तो गजब का सम्मान लेता है बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले लोग जिनके पैसा गजब का होता है कितना भी इतना है लेकिन अभी देखा ना कोरोना क्या किया कौन काम आए संभालने में कौन या अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स जब एक डॉक्टर किसी बिजनेसमैन के किसी भी रिलेटिव को ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहा है तो हाथ जोड़े खड़ा जाता बिजनेसमैन साहब प्लीज बचा लेना साहब आप जितना बोलो पैसा दे दूंगा आप जितना बोलो अभी चेक काट देता हूँ बस इसको बचा लेना बड़े बड़े बिजनेस को झुकना पड़ता है डॉक्टर के सामने क्योंकि डॉक्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड वो उसका प्रतीक है तो अब हमारे लिए ये मन में आ गया कि स्टेटस बनाना है तो अपना बनाना है और लग जाओ किसी भी तरह से अब एक ही मन में आना है कि मुझे अपना बेस्ट करना है मुझे अपना हर दिन बेस्ट करना है और जब तक मेरा ये कंप्ट एग्जाम का फाइनल डे नहीं आता तब तक रेस्ट नहीं लेना है और जुनून के साथ लगातार ट्रैक पर अपने इस गोल को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड होकर बाहर की दुनिया से टोटल कट ऑफ होकर आगे के सफर को जीना है ये आपका तरीका होना चाहिए तो बच्चों इस जोश और होश के तालमेल के साथ इस पढ़ाई के खेल को अकेल के चलना है और मस्त होकर पढ़ाई करनी बच्चे बन के पढ़ाई करनी मतलब मस्त होकर कैसे पढ़ना है अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला अगर आपको ट्वेल्थ के साथ ही ड्रीम करियर कॉलेज में जाना है तो अपने घर में पढ़ाई की मस्ती की पाठशाला बनाना है अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मस्ती की पाठशाला में आना है ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है अभी आपके सेंट्रल और सभी स्टेट गवर्नमेंट ने ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर बच्चों आपका बढ़ा दिया आत्मविश्वास किसके प्रति जो आपके कैरियर एग्जाम है नीट का जेई का उनके प्रति बढ़ा दिया आत्मविश्वास और खत्म कर दिया अनिश्चितता का डर अब तो बनो निडर खोलो अपने पर और उड़ान भर और तय कर लो 2021 में ही अपने घर से ड्रीम केरियर कॉलेज तक का सफ़र बच्चों मैं तो कह रहा हूँ ये आपका घर है और आप देख सकते हैं आप अपने जो भी ड्रीम केरियर कॉलेज सोचा है वो मेडिकल डिसिप्लिन का हो या इंजीनियर डिसिप्लिन का हो कोई भी हो एम्स हो क्या आई हो आप आराम से तय कर सकते हो सफ़र लग रहा होगा सर कैसे करेंगे समय तो बहुत कम है सोच समय की मत करो कभी छोटी बड़ी खोटी बात है ये अरे भाई आपके लिए समय को कभी छोटा लगे तो तरीका बताते कैसे लेकिन पहले मन में सोचो कि ये सफर तय करना है कैसे करना है यदि व्यस्त और मस्त होकर पढ़ाई में करोगे मस्ती ध्यान से बात सुनना मेरी यदि व्यस्त और मस्त होकर पढ़ाई में करोगे मस्ती तो 2021 में ड्रीम कैरियर कॉलेज जाके बन जाओगे हस्ती पक्का है सबको मेरी बात जस्ती लेकिन आपके जश्ने पे कईयों के लिए खलबली मस्ती तो बन जाओ भावबली और मचा दो खलबली आप जो चाहो कर सकते हो बस केवल अब आपको शोर मचाना है लेकिन शोर कैसा मचाना है कहते हैं मेहनत खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे कामयाबी शोर मचा दे और आप भी चाहें और क्यों नहीं चाहें कहते चाहत चाहत कैसी होनी चाहिए कहते अगर किसी चीज को आप सच्चे दिल से चाहो शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात की ताकत उसको मिलाने से आपके साथ जुड़ जाती है तो आप भी चाहें तो शोर मचा सकते हैं अब अगर ऐसे काउंट करें तो लगेगा 54 डेज और अगर देखें 54 डेज समय बहुत छोटा लग रहा है लेकिन कहते हैं ये हमारी सोच छोटी होती है समय कभी छोटा नहीं होता हम अगर अपना हल्का सा सोच को बदलें तभी तो आपको लगेगा कि नज़रिया चेंज किया और आपका नज़ारा बदल गया नज़ारे बदल जाते हैं अपनी सोच को थोड़ा बड़ी करें और देखिए कैसे ये टाइम आपको कितना अधिक लग रहा है अगर आप रोज़ बारह घंटे भी पढ़ें तो सिक्स फोर्टी एट आवर्स दिन रात मिलाकर के चौबीस घंटे होते हैं इस समय फिफ्टी परसेंट तो आपका जो मेन काम अब पुरुषार्थ का है जो अंडरग्राउंड होकर करना है उसमें आपको ट्वेल्व आवर्स तो देने चाहिए और उसके बाद आप देखो जब सिक्स फोर्टी आवर्स एकदम बड़ा तो फिर मिनट कितना ज़्यादा होगा सेकेंड कितना ज़्यादा होगा यह तरीका कभी भी अपने आप को वापस से संभालना हो तोड़ा सोच को बड़ी करिए कहते हैं छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटी सोच से कोई खड़ा नहीं होता और सोच अगर आपकी ऐसी होगी तो आप कभी टूटेंगे नहीं हमेशा अपने सोच पर विश्वास करेंगे और आपके कदम आगे बढ़ जाएंगे शुरू में वो देखा एन आपकी बुक्स आपको प्रमोट कर रही है आपको प्रेफर कर रही है आपको फेवर कर रही है तो क्यों नहीं फेवर का फ़ायदा लें तो आपके पास इलेवंथ और ट्वेल्थ इन दोनों का जो बेसिक सेलेबस है जो बेस लेवल है उसी की एप्लीकेशन पर आप नीट आपको एग्ज़ामिन करेगा टेस्ट करेगा एलेवन ट्वेल्थ जहाँ पर आपके पास और सब्जेक्ट भी होते थे मालूम है आपको इंग्लिश भी होता फिजिकल एजुकेशन भी होता लेकिन अब तो केवल आपको सीधे नीट एग्जाम देना है सब्जेक्ट रह गए के केवल तीन बजाओ खुशी की बीन तीन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इसमें भी आप इलेवन दोनों को अगर देखें तो ये तो नहीं भूल गए इलेवन पास है कि नहीं इलेवन तो पास हो ना हाँ ठीक है समय के साथ थोड़ी सी वो डायल्यूट हो गई दूर हो गई थोड़ा उसको वापस फोकस करके लाना है जैसे हम बाइनोकोलर से कभी कोई चीज देखते हैं फोकस करते हैं टेलीस्कोप से कभी हम स्टार देख रहे हैं कभी मून देख रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पर है लेकिन फोकस करके आराम से उसको अपने विज़न के रीज़न में ले आते हैं ऐसे हमको इलेवेंथ को एक वापस से फोकस करके पढ़ना है एक निगाह पूरा पढ़ना है और ट्वेल्थ जिसको अभी हम रनिंग लेके चल रहे थे जिसमें हम एन से पढ़ाई कर रहे थे बोर्ड एग्जाम जो भी हो रहा होता उसके साथ पढ़ रहे थे तो वो तो वहाँ पे हमारी पढ़ाई चल ही रही थी तो उसको तो स्टाइल से रिवाइज़ करना है किस अंदाज में रिवाइज करना है कैसे क्या करना है ये देखना है कि नीट की नीट क्या है आवश्यकता क्या है लेकिन ये पक्की बात है कि ट्वेल्व को हमको थोड़ा सा स्मार्टली एक स्मार्ट तरीके से रिवाइज करना है एक होता है हार्ड वर्क एक होता है स्मार्ट वर्क बच्चों ये स्मार्ट वर्क का टाइम है हार्ड वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी जबकि स्मार्ट वर्क इज ए वैक्टर क्वांटिटी अभी हम समझते हैं पहले ये देख लें आपकी वापस वही एन सी आर है जिसमें आपकी इलेवंथ भी है और आपकी ट्वेल्थ भी है अंदाज केवल चेंज करना है अब ये जो तीन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसमें उल्टा चलते हैं बायो अरे बायो आपको बायो तभी तो आपने साइंस बायो ली आपको डॉक्टर बनना था बायो मेंटेस्ट था तभी आपने इसको लिया और वैसे भी देखिए नीट में तो बायो का 50 परसेंट वेटेज है और उसमें भी फिर आपकी वो एन जिसको आपने पढ़ रखा है एलिवेंथ में भी और अभी ट्वेल्थ के साथ भी पढ़ रहे थे अब उसका अंदाज चेंज करेंगे कैसे इलेवेंथ को फोकस में करके एक निगाह पढ़ना है और ट्वेल्थ को कैसे स्मार्ट तरह से रिवाइज करना है वो हमें ध्यान समझना है क्योंकि अब हमारा पढ़ाई का दिमागी खेल स्टार्ट हो रहा है वो भी स्मार्ट वर्क वाला अब आपकी सबसे पहले बात है जो आपने पढ़ाई करी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायो से स्टार्ट करें बायो में एन की बुक इलेवेंथ की भी एक ट्वेल्थ की भी एक और एक पतली सी बुक पतला सा लुक लेकिन गागर में सागर बुक एक एक लाइन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं एन आपके लिए एक तरह से नीट में नाइंटी परसेंट पेपर उसी से आता है लगभग पेपर उसी से बनता है टॉपर्स तो कहते हैं कि एनसीईआरटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए लेकिन यहां पर पतली सी बुक होगी लेकिन एक एक लाइन में कई बार कई क्वेश्चन छुपे होते हैं कई जगह तो लाइन ऐसे टफ होती है जितनी बार पढ़ो उतनी बार अलग समझ में आती है और जो लाइन टफ लाइन है कन्फ्यूजिंग लाइन है उससे क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कन्फ्यूजिंग बनती है और ऑप्शन भी कन्फ्यूजिंग होते हैं यही तो टेस्टिंग है अब आप घबरा रहे होंगे ये तो क्या कन्फ्यूजन अरे बच्चों ये टेस्टिंग के एग्जाम हैं ये तो बोलने का तरीका है कि क्वेश्चन कहाँ से कन्फ्यूजिंग बनेंगे लेकिन चार ऑप्शन भी तो होते हैं वो भी तो आपकी हेल्प करते हैं आज मैं कोई क्वेश्चन बोलूँ और आपको चार ऑप्शन दूँ तो कितनी आसानी से आप कर सकते हो आपने कई बार केबीसी का देखा है खेल कौन बनेगा कुलपति के अंदर अब मान लीजिए आपने सीधे क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर नहीं मालूम लेकिन आपके पास तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप नॉलेज से कह सकते हो यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता तो जो रह गया वह आपका आंसर हुआ नहीं हुआ जबकि डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मालूम था यह स्मार्ट तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी अगर एक बार आपने किसी चीज़ की नॉलेज ले ली है तो आप इस तरह से डायरेक्ट आंसर नहीं हो तो भी तीन को फेल करके ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी से उस क्वेश्चन को अपना बना सकते हैं ये तरीका कई बार लगाना चाहिए अभी अपन पहले बायो की बात कर रहे हैं फिर इसको ढंग से रिविजन के हिसाब से लेंगे बायो में हम जो भी हमारे पास एन की बुक है हमारे पास जो भी और तरह का सोर्स है कहीं पे मॉड्यूल मिलते हैं कहीं पे किसी तरह से आपके के रजिस्टर होते हैं ये सब आपके सोर्स हो गए लेकिन जब पढ़ाई करो एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए ये बायो के लिए मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि बायो अथा समुद्र है देखने में बुक छोटी है लेकिन आपको बायो में जोलॉजी बॉटनी दो सब्जेक्ट भी आपके हैं इसलिए आपको इसके शॉर्ट नोट्स बायो के बहुत ढंग से बनने चाहिए अभी मैं बायो का इतना जोर क्यों दे रहा हूं क्योंकि आपका बायो का फिफ्टी परसेंट वेटेज है और बायो में स्कोरिंग फास्ट होती है अगर आपके रिविजन अच्छे हो जाए बायो में तो मैं सीधे कह सकता हूं अगर एक ग्राफ खींचा जाए नंबर ऑफ रिविजन डन ऑन एक्स एक्सेस एंड मार्क प्रोड्यूस स्कोर प्रोड्यूस ऑन वाई एक्सेस लाइन पासिसरिजिन पर आपको मालूम है एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है समझदार को इशारा काफी है अगर एक भी रिविजन नहीं किया तो फिर तो स्कोर जीरो क्या कई बार नेगेटिव हो सकता है क्योंकि आपको मालूम है ये एग्जाम का पैटर्न इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है बच्चों यहां पर तो हो सकता है कि लेने के देने पड़ जाए नेगेटिव मार्किंग हो जाए इसलिए रिविजन की बहुत ज्यादा वैल्यू है मैं और ऐसे बोलूँ क्वेश्चन वर्ष से पूछूँ पान सड़ा क्यों रोटी जली क्यों और पढ़ाई भूली क्यों एक ही जवाब होगा क्योंकि इनको हमने वापस पलटा नहीं वापस देखा नहीं इन्हें दोहराया नहीं यही मतलब है रिवीजन का इसलिए बायो में बच्चों बहुत ध्यान से बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखना इसमें जितने ज़्यादा रिवीजन होंगे उतना यह सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग बनता चला जाएगा और रिवीजन का तरीका क्या है आप किसी भी जगह टॉपर्स की बात सुनिए अभी टॉपर स्टॉक हुआ तीस मई को उसको भी आप सुन सकते हो मैं तो आपसे कह रहा हूँ पढ़ाई में जब बीच में ब्रेक लो तो टॉपर स्टॉक जो हुआ ना अभी इसको यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है इसको देखिए इसमें आपको कई अपने क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे टॉपर्स के थ्रू अगर आपने कोई भी सोर्स लिया एनसीआर मॉड्यूल क्लास नोट्स आप पढ़ते जाओ और एक नोटबुक पे जो अलग से आपको लाइन लगे उसे लिखते जाओ कोई भी चीज आपको लगता है भूल जाऊंगा कंफ्यूजन हो जाएगा ओवरलैपिंग हो जाएगी उसको लिख लो और जो ये चीज एक जगह नोटबुक में कलेक्ट हो रही है आपके सबसे अच्छी कंसाइज फॉर्म में तैयार हो रही जिसको आपको वापस देखना है मेमोराइज करना है और बारी बार इसी को रिवाइज करना है जैसे मैंने बायो की बात कर रहा हूं जबकि मैं डील करता हूँ सब्जेक्ट एज ए फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है लेकिन मैं बायो की बात पे इतना जोर दे रहा हूँ कि आज अगर मुझे भी मेडिकल के हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होती और आगे जाके पेपर को अटैम्प करना होता तो शायद मैं सबसे पहले बायो से अटैम्प करता क्योंकि मुझे मालूम है बायो में मेरा स्कोरिंग भी फास्ट होगा कम समय लगेगा ज्यादा आउटपुट देगा और उसका वेटेज भी तो फिफ्टी परसेंट है इसलिए बायो पे हमेशा पूरा एम्फेसिस करो और बायो के सबसे ऊपर क्या आपके एनसीआर का ऐसा रिविजन हो कि वह आपके टिप्स पर हो बच्चों अभी मैंने आपसे बायो के रिविजन को बताया कि कैसे उसके शॉर्ट नोट्स क्योंकि उसका वेटेज फिफ्टी परसेंट है लेकिन हर का रिविजन स्मार्ट रिविजन क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके तीन सब्जेक्ट हैं ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका नीट में 50 परसेंट रोल है और ने देख बात समझ ली है कि इसमें इसके लिए अनमोल बुक कौन सी है एन और इसमें एन के अंदर आपको अपने शॉर्ट नोट्स अपने मॉड्यूल के शॉर्ट नोट्स अपने क्लास रजिस्टर को एक नोटबुक में कन्वर्ट करके कंसाइज करना है ऐसे आपको केमिस्ट्री में ऐसे फिजिक्स में इन सब में मेन वर्ड क्या चल रहा है रिवीजन। वास्तव में रिवीजन का मायना क्या होता है क्या वापस से पढ़ना री रीडिंग नहीं एक हम कह सकते हैं रिवर्स गेयर स्टडी या एक ये कह सकते हैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना हर सब्जेक्ट में कोई भी पढ़ाई स्टार्ट करो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन आपको पढ़ते लग जाता है किसी चैप्टर के किसी आर्टिकल में यार ये अलग तरह का अटपटा है एक बार में समझ में नहीं आ रहा इसमें कन्फ्यूजन है ओवरलैपिंग हो सकती है भूल सकते हैं तो बस जहां ये दिख रहा है इसका तो इन्हीं पर आपको हैमरिंग करनी है इन्हीं को वापस देखना है दोहराना है यानी कि रिवाइज करना है ये रिविजन वर्ड सबको देखना जरूरी नहीं है कुछ को ही सेलेक्टिव को ही देखना है हर सब्जेक्ट में मैं किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर की बात कर सकता हूं मैं अपने ऐसे एग्जाम्पल मैं फिजिक्स को डील करता हूं तो आपसे फिजिक्स की बात करूंगा लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूं हर सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को आपने स्टार्ट किया जब पढ़ाई उसकी चालू करते हो तो कुछ आपको ऐसे आर्टिकल लगेंगे जिनको हम सब टॉपिक कह है सकते हैं जिसमें आपको लगेगा ऑलवेज स्माइलिंग फेस जस्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज कुछ में ऐसा लगेगा वापस देखना है दोहराना है जो पढ़ाने वाले सर हैं वो भी आपको उसको बारी बार एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल दे समझाएंगे कई बार प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के समझाएंगे ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे और आपको ही बाद में उसी में बारी बार देखना पड़ेगा और कई बार सर को भी आवश्यकता है आपको फिर समझाना पड़े या आपको सर के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ जाए सर से इंट्रैक्शन की आवश्यकता पड़ जाए और वो ऐसे हैं कि जब तक आप उनको बार बार नहीं देखोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे सर का सपोर्ट नहीं लोगे आपका हमेशा चेहरा उसमें ऐसा बना रहेगा और अगर आपने उनका ढंग से जो बात मैंने बोली वो कर लिया रिविज़न अच्छा कर लिया प्रैक्टिस अच्छी कर ली बारी बार उसको दोहरा लिया सर के द्वारा सपोर्ट ले लिया इंट्रैक्शन कर लिया तो फिर आपका ये चेहरा वापस ये भी स्माइलिंग फेस बन सकता है अब इसको दो तरह के बच्चों के लिए बात करें एक बच्चे जो कि इलावन से ही अपने नीट की तैयारी में लग गए थे दो साल से नीट के ट्रैक पे तैयारी कर रहे हैं पक्की बात है वो पहले से चल रहे हैं जो जगह हुए पहले से उनको एडवांटेज मिलेगा फायदा ज़्यादा मिलेगा और जो बच्चे अभी ट्वेल्थ रनिंग के हिसाब से बोर्ड एग्जाम एकदम कैंसिल हो गया अब तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इस समय में कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ किसके साथ कर सकते हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों बायो के रिवीजन में स्मार्टनेस बहुत जरूरी है क्योंकि बायो समुद्र है आप पूरा वापस पढ़ नहीं सकते समय अलाउ नहीं करेगा और हम एल बच्चों के लिए क्या हेल्प कर सकता है तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि ये बच्चों का रिवीजन ऐसा हो कि स्मार्ट भी हो और स्कोरिंग भी हो तो पूरी बायो टीम के एक एक फैकल्टी को जिनके अपने जो चैप्टर्स हैं उनसे बोला कि आप अपने उठाओ एन उसमें जो जो पेज पर पे आपको लगता है कि ये टफ लाइन है उनसे ईमानदारी से क्वेश्चन बनाओ उनको इतना भी अलर्ट कर दिया कि आपके इसमें ईमानदारी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी होगी आपकी इसमें है रेस्पॉन्सिबिलिटी भी और अकाउंटेबिलिटी भी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन अलग से और आ गया तो फिर एक्शन लिया जाएगा तो हर फैकल्टी ने इसमें बहुत ध्यान से एनसीआर को पेज वाइज जहां पर इसमें टफ लाइन है उन लाइन का सेलेक्शन किया इससे बोला सेलेक्टिव और इनको बिल्कुल अंडरलाइन करके समझाते हुए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं डायग्राम से लाइन से उनके क्वेश्चन बनाए और उनका वीडियो रिकॉर्ड करके तैयार कर लिया और फिर इन लाइन के थ्रू जो जो अच्छे उस आर्टिकल पे सब टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकते हैं जितने भी गहराई के बन सकते हैं क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज के बन सकते हैं कन्फ्यूजिंग ऑप्शन के बन सकते हैं उनको तैयार करके वर्कशीट तैयार करी जिसमें पंद्रह से तीस क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के रखे और वो वर्कशीट बच्चों को तैयार करके बोला इनको क्वेश्चन करो सुबह आठ बजे तो रख दिया वीडियो और उसके बाद उसी में आठ बजे दे दिया वर्कशीट और वर्कशीट को बोला आराम से आप सॉल्व करो शाम को इसमें एक्सपर्ट जो फैकल्टी जिसने इसको किया है वो आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करेगा आपके जो भी कंफ्यूजन उसको दूर करेगा अब ऐसे सब्जेक्ट फिजिक्स ऐसे ही केमिस्ट्री तो बायो में जो किया ऐसे फिजिक्स में क्या किया और ये सेलेक्टिव के बाद सर के साथ जो एक्सपर्ट हैं उनसे इंट्रैक्शन भी है और इसी से बच्चों का एक स्मार्ट रिविजन हो रहा है तो एक नाम दे दिया सेलेक्टिव एस इंटरेक्टिव आई और रिविजन आर दैट इज सर और इसको नाम दे दिया एल ने किया शुरुआत तो एल सर बायो में एल सर क्या है बायो में सर जो एन है उसमें जो टफ लाइंस हैं उन टफ लाइंस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाते हुए उन लाइनों को ढंग से समझाते हुए उसके वीडियो बनाए उनके ऊपर क्वेश्चन तैयार करी वर्कशीट तैयार करी पंद्रह तीस क्वेश्चन की और उसको बच्चों को दिया और बोला इसके साथ इंट्रैक्शन करेंगे तो ये बायो में है एलेंसर ऐसे फिजिक्स में क्या है मैं एग्जांपल एक 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 लेता हूं मान लो फिजिक्स में अपन लेते हैं एक सपोज चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 का आपका पहला चैप्टर ट्वेल्थ में आप इसको पढ़ रहे हो आप जब इसको पढ़ते हो तो यहां भी आपको मालूम है फर्स्ट इंप्रेशन इंप्रेशन हुआ इंट्रोडक्शन चालू हुआ अब आपके कुछ इस तरह के इसको टॉपिक मानो अंदर के आर्टिकल को मानो सब टॉपिक स्टार्ट हुआ सबसे पहले चार्ज तो चार्ज की प्रॉपर्टीज चार्ज का कंजर्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्वांटेशन ऑफ चार्ज लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कुछ मैं ऐसे सब टॉपिक बोल रहा हूं आपको लगे तो आज क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे आराम से आराम से हर ट्वेल्थ रैंक बच्चा कर सकता है बस क्वेश्चन को फोकस करके पढ़े कोई सिली मिस्टेक ना हो अभी सिली मिस्टेक ही बात बाद में करते ये वो है जिसके आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन कुछ मैं ऐसे बोलूंगा अब मैं जैसे यहां बोलूं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंडक्टर वो आपका एक ट्वेल्थ का क्वेश्चन होता अब ट्वेल्थ का एग्जाम तो है ही नहीं लेकिन एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंडक्टर एप्लीकेशन ऑफ केवल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कब कौन सी उसकी प्रॉपर्टी लगेगी तो वो आपके लिए कंपनी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो एप्लीकेशन ऑफ जबकि यहीं पे वो आ जाता है इंट्रोडक्शन में एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर और चार्ज कंडक्टर बात समझना अगर मैं केवल लिख दू प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर चार्ज कंडक्टर ये ये नॉर्मली एक नॉलेज नॉलेज का क्वेश्चन हो गया और कंप्यूटर एग्जाम क्या है knowledge की एप्लीकेशन अब इसमें आपको मालूम है है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सरफेस पे हर जगह सेम पोटेंशियल सरफेस पर नेचर कैसा है इकवी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा सरफेस को मिलेगी राइट एंगल इनमें से कौन सी लगी प्रॉपर्टी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है यह आपको समझना होगा क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग फिर आगे अगर बोले अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम एप्लीकेशन इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं ज्यादा यह वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे वेक्टर के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट आ गया यहां पे गॉस थेम गोसथियोरम एप्लीकेशन यहां पे ज्योमेट्री आ गई आपकी टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल जोमेट्री आ गई यहां गौस्तान एप्लीकेशन या ग्राफ आ गए आगे चलें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कौन इसमें एब्सलूट क्वांटिटी है कौन इसमें रिलेटिव क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पोटेंशियल ग्रेडिएंट ये जो मैं लिख रहा हूं आपको ध्यान आ रहा होगा जब आप इसको पढ़ते थे तब इसमें दिक्कत आती इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जांपल एग्जाम्पल रहे समझ में आएगा कि क्या मतलब है ये भी सब टॉपिक है ये भी सब टॉपिक है लेकिन ये वो सब टॉपिक है जिसमें बच्चों को बारी बार समझाना पड़ता है एक टीचर को ज्यादा एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी पड़ती है बच्चा इसी में बारी बार गच्चा खाता है बच्चा इसी में बारी बार पूछता है उसी को यहां पे मिसकसेप्ट होता है यहीं उसको बारी बार ओवरलैपिंग होती है यहीं उसे कई बार मैथमेटिक्स के कारण दिक्कत आती है कहीं पर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है कहीं पर ग्राफ आ रहा है कहीं पर मालूम पड़ा जैसे ही बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मालूम पड़ा आपका इंट्रीगल आ गया कैलकुलस आ गया कहीं पर ग्राफ आ गया ये डाइपोल कंसेप्ट अलग चीज आ गई ऐसे जितने टॉपिक हैं ये सब टॉपिक इनको इस चैप्टर में सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने सेलेक्ट किया और इनके एक एक सब टॉपिक पर अच्छी तरह से एग्जाम्पल के द्वारा उनको इलेस्ट्रेट किया उनका वीडियो तैयार कर लिया बात समझना वो वीडियो तैयार हो गया अब इसके बाद इसपे हर एक एक टॉपिक पे जैसे मान लो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर आराम से जितने तरह के एग्जाम में प्रोबेबल क्वेश्चन जो आ सकते जिस नेचर के उनके हिसाब से इस सब टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे 15 टू 30 क्वेश्चन की शीट बना दी डिपेंड करता है कि आपका वो सब टॉपिक किस लेंथ का है उस शीट को बना दिया अब बच्चे के दोनों चीज़ तैयार है अब मान लीजिए आपके तीन तरह के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एक बच्चे ऐसे हैं जो आपके एलेवन ट्वेल्थ के हिसाब से टेंथ के बाद से नीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी दो वैरायटी है एक बच्चे हैं जो बीच बीच में ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो बिलो एवरेज हैं बिलो एवरेज एवरेज कह दीजिए एक कह दीजिए मॉडरेट हैं और एक कह दीजिए टॉपर के रूप में स्कोरर हैं जो हर चीज़ को रोज की रोज रोज मेंटेन कर रहे हैं और उनको तो हमेशा लगता है कि दिल मांगे मोर हमें तो कुछ क्वेश्चन और चाहिए उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती अब देखिए तीनों के लिए इसका एडवांटेज क्या है मान लो जो आपका सबसे पहले बिलो एवरेज या एवरेज है बच्चा उसका कंसेप्ट बिल्डिंग ही नहीं हुआ तो जब वो इसको पूरा पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए उस वीडियो को देखेगा तो देखने से उसका क्या हो जाएगा कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा अब उसको सुबह वीडियो मिल गया और उसके साथ उसको शीट भी मिल गई आराम से उसने एग्जाम्पल सर ने उसमें एग्जाम्पल भी लिए हैं वीडियो में तो एग्ज़ाम्पल से वो कंसेप्ट बिल्डिंग होने के बाद अब आराम से लगेगा हाँ मेरी कंसेप्ट बिल्डिंग हो गई और वो उस क्वेश्चन करने की हिम्मत करेगा वो क्वेश्चन करेगा और शाम को सुबह आठ से लेकर शाम को चार बजे उसका लाइव इंट्रेक्टिव डिस्कशन होगा इसलिए इसका नाम है इंटरेक्टिव उसी एक्सपर्ट के साथ तो आराम से वो अपने आठ घंटे के लिए उसमें पंद्रह से तीस जो क्वेश्चन उसका टाइम निकाल के कर लेगा और शाम को तैयार है उसको हो सकता है पच्चीस क्वेश्चन की शीट हो उसमें उसको आठ दस प्रॉब्लम आ जाए दूसरा लीजिए मॉडरेट मीडियम उसने अपने लिए सोचा था यार कंसेप्ट तो क्लियर है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है तो उसको वर्कशीट से क्वेश्चन मिल गए उसने उससे क्वेश्चन कर लिए उसको भी ग्रिप आ गया लगाया बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार है हो सकता है उसको 25 में से आउट ऑफ 25 फाइव फाइव टू सेवन डाउट आ गए प्रॉब्लम आ गए अब आता है स्कोर टॉपर की बात करें उन्होंने इसके लिए कंसेप्ट बिल्डिंग तो है ही उनको दिल मांगे मोर तो एक्सपर्ट सर ने इनके भी क्वेश्चन अच्छे बनाए इलेक्ट्रिक प्लैक्स उसने भी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को ट्राई किया टॉपर ने स्कोर ने उसको मालूम पड़ा एक या दो प्रॉब्लम हो या ना हो कोई भी नहीं हो लेकिन फिर भी उसको मालूम है कि शाम को सर जब पूरा डिस्कस करेंगे तो उसमें हो सकता है ये टॉपर सोचता है कि सर उसको कोई टाइम सेविंग तरीके से करे हो सकता है कोई स्मार्ट तरीके से करे हो सकता है कोई ट्रिक से करे कोई स्टाइल से करे इसलिए कई बार टाइम सेविंग तरीका भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ टाइम भी सेव करना है वहाँ दोनों चीज़ सेव करनी है वहाँ आपका ऑफलाइन मोड के अंदर पेपर और पेन मोड है तो आपके पास रफ स्पेस को भी आपको मैनेज करना है और टाइम को भी मैनेज करना है तो वो भी देखता है ठीक है मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन शाम को सर के साथ जब मेरा जो भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि सर का तरीका अच्छा है तो उसको एडोप्ट एक्सेप्ट कर लूंगा एडोप्ट कर लूंगा तो टॉपर की आदत होती है जितनी मुंडी उतनी बुद्धि और सर तो एक्सपर्ट है सर के तो सब्जेक्ट की अलग ही गहराई है जकड़ पकड़ है तो अच्छा तरीका दिखा सकते हैं कुछ तो टॉपर भी इसके लिए आराम से तैयार है टाइम सबके पास है कब सबको मालूम है मुझे कौन से क्वेश्चन को देखना है सर जो होंगे वो शाम को सभी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चों के लिए इंट्रेक्टिव सेशन में पूरा ढंग से डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन करेंगे तो सोचिए शाम को सभी बच्चों के लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक जैसे मान लो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको वो एक्सपर्ट डिस्कस कर रहा है तो हर का जो आपका बिलो एवरेज है या एवरेज है उसका भी टॉपिक ग्रिप में आ गया जिस मतलब सब टॉपिक जो आपका मॉडरेट है मीडियम है उसका भी ग्रिप में आ गया और जो आपका टॉपर स्कोरर है उसको भी मज़ा आ गया क्योंकि उसको एक नया तरीका टाइम सेविंग का मिल गया तो हर बच्चे के लिए यह एलेंसर के द्वारा चीज तैयार हो रही है इनका सेलेक्टिव इनको छाटा ये सब टॉपिक वो सब हैं जिनको सेलेक्टिव के हिसाब से सेलेक्ट किया इनके लिए वर्कशीट तैयार करी और शाम को इनके साथ बच्चों के साथ करेंगे तीनों तरह के बच्चे उसमें प्रेजेंट होते हैं इंट्रैक्शन डिस्कशन का इसलिए इसका नाम है सेलेक्टिव इंट्रेक्टिव रिविजन ये एलेंसर कर रहा है ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का ट्वेल्व का आप ऐसे समझ सकते हो हर चैप्टर में ऐसे कुछ सब टॉपिक्स होते हैं और हर सब्जेक्ट के हिसाब से अच्छा टीचर एक्सपर्ट जानता है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है और यहाँ तक नीट में भी क्या नीड है नीट भी उसके अंदर कहाँ पूछता है कहाँ बच्चों का एग्जामिन करेगा यही तो वो है जहाँ पे यही सो सब टॉपिक है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है यही वो टॉपिक है जिसके अंदर नीट आपको एग्जामिन करेगा और यही वास्तव में रिवीजन में खास इन्हीं की नीड है बाकी इसमें तो हमसे क्वेश्चन आराम से ट्वेल्थ रनिंग का कोई भी बच्चा जो ट्वेल्थ में से एक बार फेमिलियर हो गया और पूरा प्रिकॉशन के साथ फोकस होकर क्वेश्चन को पढ़ता है क्योंकि हर क्वेश्चन का पहला स्टेप रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने अभी कहा था सिलेमिस्टेक के बाद मैं बात करूंगा कोई बच्चा रीडिंग को ही गलती कर देगा पहला स्टेप रीडिंग होता है अगर आप पढ़ने में गलती कर दोगे रीडिंग ही गलत हो गया तो समझ में गलत आएगा और समझ में गलत है सोचो गलत तो फिर तो आगे गलत होना ही है तो ये चीज इंपॉर्टेंट सब टॉपिक इन्हीं का सिलेक्शन किया और एलन ने अपना ये एल सर बनाया अब हम ये देखते हैं कि हमारे लिए वास्तव में एलेन सर कहां पे था वो इन द ब्लैंक जो आपको मैंने इससे पहले ये तो पेन चल गया यहां ब्लैंक अब मैं आपसे बोलूंगा सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो ऐसे केमिस्ट्री में भी आपको मालूम है है तीन पार्ट और तीनों का अपना अलग अलग नेचर है अब मैं सब्जेक्ट के नेचर की बात और करूंगा क्योंकि हमको वहां पे पढ़ाई को स्मार्ट स्टडी करना है स्मार्ट वर्क करना है आप जमाना टाइम स्मार्ट वर्क का है हार्ड वर्क एज ए स्केलर क्वांटिटी स्मार्ट वर्क एज ए वैक्टर क्वांटिटी स्मार्ट वर्क क्या करता है आपको लगातार आपके डेस्टिनेशन की ओर लगातार आपको अपने गोल की ओर मंजिल की ओर आपके ड्रीम कॉलेज की ओर ले जाता है जबकि हार्ड वर्क क्या है कर रहे हैं पसीना बहा रहे हैं मजदूर भी करता है लेकिन उसकी कोई निश्चित मालूम नहीं डायरेक्शन कहाँ जाना है इसलिए हमको आज स्मार्टनेस के साथ हार्ड वर्क करें उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं तो उस प्लानिंग की बात करते हैं लेकिन ये वो जगह जहाँ एलन सर यहां पर एल एंसर यह है एलेंसर अपने नोट्स को कंसाइज करो समझ कर उन्हें मेमोराइज करो, करो इन्हीं को फिर से रिवाइज करो और एलेंसर के साथ खुद को राइज करो राइज करने का मतलब क्या है विश्वास के साथ आगे बढ़ना विश्वास के कदम लगातार बढ़ाना जहां को विश्वास है कि जो मैं रिवीजन कर रहा हूं वो स्मार्ट तरीके से कर रहा हूं जहां को विश्वास है कि रिवीजन से मेरे प्रोडक्टिव रूप से क्वेश्चन तैयार हो रहे आपको विश्वास है कि अगर मैं वर्कशीट के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ तो इसका मतलब मैं आराम से एग्जाम में आने वाले नीट के क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर लूँगा ये एल ने अपना एक नया तरीका नया बच्चों के लिए इनोवेटिव, एक इनोवेटिव डेवलप किया है एक इनिशिएट लिया है और वो एल सर इस समय चल रहा है इस समय आप देख भी सकते हो जो बच्चे इसको कर रहे हैं आप उनसे जो उनका लगातार वीडियो आपको मिलेगा जिस तरह का उस पर आप देख सकते हो किस तरह से इसके अंदर एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं मैंने भी देखा वर्क पावर एनर्जी है आपका फ्रिक्शन है आपका न्यूटन मैकेनिक्स है काइनेमेटिक्स है उसमें जहाँ बच्चों को दिक्कत आती है उसी जगह हैमरिंग की जा रही तो ये तो विश्वास करना होगा जब इससे जुड़ोगे तो मालूम पड़ेगा ये वास्तव में वही तो चीज़ है जहाँ मुझे जरूरत है और नीट भी आपको यहीं पे करेगा अब देखें जरा नीट की क्या नीड है एक तो आपका नेचर और सब्जेक्ट का नेचर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस नीट एग्जाम से डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चों ध्यान से बात सुनना ये नीट का एग्जाम स्पेशली ये डॉक्टर प्रोफेशन के लिए नीट का एग्जाम आपके इतनी हाई फाई नॉलेज की टेस्टिंग का एग्जाम नहीं है मैं आपका एग्जाम्पल दूं टेस्टिंग का मतलब क्या है केवल टेस्टिंग करनी है जैसे मान लो किसी लाइन में करंट जारी है उसको चेक करना है ये नहीं मालूम करना उसमें कितने एम्पेयर करंट जारी है क्या करेंगे टेस्टर लेंगे लगाएंगे लट्टू जल जाएगा यानी लाइन चालू है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन टीनी क्वेश्चन इनसे आपकी टेस्टिंग की जाती है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और इस बार तो आपको मालूम है पैंडमिक कंडीशन क्या चल रही है कैसी अनसर्टेनिटी चल रही थी एकदम आपको मालूम पड़ा कि बोर्ड एग्जाम हो ही नहीं सकते उन्हें कैंसिल कर दिया गया लेकिन नीट एग्जाम तो लेना होगा क्योंकि आगे आपको इस प्रोफेशन के लिए आगे बढ़ाना है कोई डॉक्टर ऐसा तैयार गलत हो गया भाई जिसको कंट्रोल ही नहीं होता पेशेंस ही नहीं हो जो खुद ही परेशान हो दुखी आत्मा हो मुस्सेल लो खड़ूस हो ऐसा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए इसलिए पहले सब्जेक्ट नेचर से पहले आपका नेचर इंपॉर्टेंट है आपका नेचर सबसे पहले यह ध्यान रखना डॉक्टर साइन पॉजिटिव होता है इसलिए आपको सबसे पहले हमेशा पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिविटी होनी चाहिए डॉक्टर को इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि जब तक पल्स खत्म ना हो जाए जब तक पल्स चल रही है तब तक लेके चलना चाहिए देर इज होप इज इज लाइफ होप ये लेके चलना चाहिए इसलिए यहां पे एक तरीका बता रहा हूं क्योंकि आपने अपना ख्वाब देखा है डॉक्टर बनने का इसलिए तरीका बता रहा हूं आप हमेशा हाई डिग्री ऑफ रहेंगे पॉजिटिव बता क्या याद दिला रहा हूं ध्यान दिला रहा हूं तो ये ऊपर वाले गजब का तरीका मिराकल कर रखा है हम जो ये ब्रीथिंग कर रहे हैं इन्हेल एक्सेल ये जो कर रहे हैं जरा इसको ध्यान से देखिए इन्हेल है, करते हैं क्या लेते हैं इंटेक करते हैं ऑक्सीजन किसका इंडिकेटर पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव वाइब्स अंदर जा रहे हैं जब एक्सेल करते हैं गिव आउट करेंगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड किसका इंडिकेटर नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव वाइब्स बाहर जा रहे हैं गजब की बात हो गई हर इनहेल एक्सेल पेयर पर आप पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव होते जा रहे हैं यानी देखिए हर एक ब्रीथिंग पर आप लगातार आपकी बॉडी पॉजिटिव हो रही है और ये ब्रीथिंग भी अगर आप डीप ब्रीथिंग कर दें तो डीप ब्रीथिंग तो गजब की मिराकल करती है अभी तो सिंपल ब्रीथिंग की बात थी लेकिन नॉर्मल जो आपकी सिंपल ब्रीथिंग है उसमें भी आप देख रहे हो हर एक सांस के आने जाने से आप लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं ये फीलिंग रियलिटी की है इसको एक्सेप्ट करना है ये तो रियलिटी है कोई वर्चुअल चीज नहीं है लेकिन कितना गजब का मेरा हो रहा है हम हर ब्रीथिंग पे पॉजिटिव हो रहे हैं और जो दूसरी बात है डीप ब्रीथिंग उसकी तो गजब की बात है अच्छा यही आपको बता देता हूं कभी आपको लाइफ में आपको एग्जाम भी देना है पढ़ाई भी करनी कुछ भी काम करना है आपको कोई खेल हो कोई भी कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो कहीं भी कुछ कहीं आपको डिबेट देना हो कहीं कुछ भी करना हो कुछ भी परफॉर्म करना हो कहीं गाना गाना हो कुछ भी करना हो अगर आपको लगे तो भूल गया सब भूल गया ब्लैंक हो गया हैंग हो गया क्या करूं तो उसको संभालने का तरीका क्या है आंखें बंद कर लीजिए काम अभी करना नहीं आंखें बंद कर लीजिए और अपने केवल पांच बार डीप इनहेल डीप एक्सेल करिए पांच बार ये डीप ब्रीथिंग करिए डीप ब्रीथिंग करके देखिए पांच बार जैसे पांच भी बार से फ्री होंगे अंदर से अलग लगे अलग ही कोई हाई डिग्री ऑफ आ गई पॉजिटिविटी अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया और आपको लगे ना आई विल डू इट आई डू इट एंड यू कैन डू इट एंड नो बडी कैन स्टॉप यू यह है गजब की चीज जब हम हाई डिग्री ऑफ आ जाते हैं पॉजिटिव तो हमारे पॉजिटिव देखते हैं पॉजिटिव बोलते हैं पॉजिटिव सुनते हैं पॉजिटिव कहते हैं पॉजिटिव लिखते हैं पॉजिटिव सोचते हैं खुद के लिए भी और हर के लिए भी और ये पॉजिटिवनेस लाती बोल्डनेस और कहते हैं बोल्डनेस चेंज एवरीथिंग जब आप पॉजिटिव हो गए आप बोल्ड हो गए आप कूल cool हो गए डीप ब्रीथिंग हमेशा कूल cool ब्रीथिंग देती है रिलैक्स ब्रीथिंग देती है तो आप बोल्ड हो गए आप कूल cool हो गए आप रिलैक्स हो गए आप कॉन्फिडेंट हो गए आप पक्का अपने रिजल्ट के लिए पॉजिटिव हो गए कि मेरा सिलेक्शन पक्का होगा अगर स्मार्ट तरह से पढ़ाई स्मार्ट तरह से रिविजन किया जाए तो ये नेचर इम्पॉर्टेंट दूसरा डॉक्टर का फेस हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए डॉक्टर कभी खुद से परेशान गुस्सेल खड़ूस दुखी आत्मा उदास ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर हमेशा एक्टिव एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट चेयरफुल स्माइलिंग फेस होना चाहिए लोग इसी के पास जाएंगे उदास चेहरे के पास कौन जाएगा तो ये आपका नेचर बहुत इम्पोर्टेंट दूसरा जो तो सब्जेक्ट का नेचर है कहते हैं हमेशा सब्जेक्ट को अपना दोस्त बना के चलो लेकिन किसी दोस्त से दोस्ती कैसे करोगे जब उसके नेचर के अकॉर्डिंग उससे डील करोगे तभी वो दोस्ती डेवलप भी होगी और लगातार लिंक रखोगे तो मेंटेन भी रहेगी ऐसे आपको हर सब्जेक्ट का अपना नेचर है बायो का अपना नेचर है केमिस्ट्री के तीन पार्ट हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन इन टाइप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स की कनेक्टिविटी टाइप और फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ बोला फिजिकल केमिस्ट्री वहां पे बिल्कुल नेचर आ गया फिजिक्स का इसलिए नाम पड़ गया फिजिकल जो फिजिक्स का नेचर है वही फिजिकल केमिस्ट्री का नेचर है और बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों मेमोरी बेस पर हैं लेकिन एक के अंदर इंफॉर्मेशन की मेमोरी है और एक में आप चैप्टर्स की जो कनेक्टिविटी होती है उसकी मेमोरी है आपको मालूम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ए बी सी डी वाले क्वेश्चन ज्यादा करते हैं कंपटिव एग्जाम भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये सब की तैयारी तीनों सब्जेक्ट में बायो को मैंने समझाया था फिजिक्स को आपको एक चैप्टर का एग्जाम्पल लिया था मैंने इलेक्ट्रिस का ऐसे केमिस्ट्री में भी इस तरह से किया गया है तो स्मार्ट रिविजन वो इंट्रेक्टिव रिविजन वो तो एलन अपनी जगह कर रहा है आप भले कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो भले एलन से मत जुड़ो लेकिन पढ़ाई चालू कर दो कहीं भी कुछ ये जो टाइम मिला है बच्चों बारी बार नहीं आएगा ऑपरचुनिटी नेवर नोक ट्वाइस आप बहुत किस्मत वाले हैं गजब का नसीब लिखा के हैं पहले मैंने बोला था इसलिए जहां हो वहां पढ़ाई चालू कर दो जिससे भी आपका जुड़ाव हो आप पढ़ाई चालू कर दो मैं नहीं कह रहा लेकिन एलन ने अपनी कोशिश कर रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका ये साल बर्बाद ना हो जाए एक एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम आपका कहीं टाइम ड्रेन भी नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि आप अगर कहीं भी जुड़ते हैं आपका कुल मिला कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए सब्जेक्ट में परफेक्शन आना चाहिए और आपका विश्वास पक्का होना चाहिए कि अगर मैं इस तरह से ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा हूं और अभी मैंने अपने टाइम के हिसाब से पूरी अच्छी स्मार्ट प्लानिंग करके पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन तो होगा अब सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से लेते हैं ये वापस नेचर ऑफ सब्जेक्ट आपको मालूम है बायोलॉजी वही एनसीआरटी गागर में सागर भोग दिखने पतला सा लोग देखो यहां पे केवल दो है इलेवन ट्वेल्थ की जबकि आपको मालूम है केमिस्ट्री में चार इलेवन की दो ट्वेल्थ की दो फिजिक्स में भी चार है इलेवन की दो पार्ट वन पार्ट टू और ट्वेल्थ की भी दो पार्ट वन पार्ट टू लेकिन ये पूरी आपके नीट की जान है इससे इस से आपकी पहचान है और अगर आपने इसमें ढंग से रिवीजन कर लिया तो ये आपकी शान है और रिवीजन का तरीका अभी मैंने आपको बताया था और एलन सर क्या कर रहा है ये भी आपको समझाया था हमारे लिए बायोलॉजी स्टार्ट करके ही पढ़ाई के समय भी ध्यान रखना है कि बायोलॉजी का स्कोर हमारा अच्छा हो हिसाब से पढ़ाई करें हर में अच्छा होना चाहिए लेकिन यहां फिफ्टी परसेंट बैठे है बारी बार बोल रहा हूं ताकि ध्यान रखना है जब पेपर अटैम्प करो तो भी इसमें ध्यान रखना कि बायोलॉजी का स्कोर हमारा बढ़िया होना चाहिए अब यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई आपकी कहीं भी चल रही है पढ़ाई हमेशा होनी चाहिए क्वालिटी आवर्स की कभी घड़ी देख के पढ़ाई नहीं करना चाहिए जो घड़ी देख के पढ़ाई करते वो घड़ी 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 देखते रहे घड़ी 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 देखते रहें ऐसे बोल रहा हूं घड़ी 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 देखते रहेंगे पढ़ाई होनी चाहिए मन की घड़ी से जब तक मन की घड़ी टिक टिक कर रही है तब तक पढ़ाई का मन लगता है पढ़ाई के हिसाब से दिल जुड़ता है पूरा रहता है फोकस अर्जुन की तरह होती पावर ऑफ कंसंट्रेशन। कहीं पे भी आप जैसे पढ़ाई आपने चालू करी डेढ़ घंटे दो घंटे बाद आपको लगा कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे और आपको किसी केमिस्ट्री की बात याद आ गई या बायो में कुछ कर रहे थे और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद आ गई कुछ भी ऐसी बात हुई इसका मतलब आपका वहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ गया कंसंट्रेशन का और वहाँ पे कायदे सब आपकी पढ़ाई को वहाँ ब्रेक देना चाहिए कहते हैं ब्रेक फॉर बेटरमेंट अरे पिक्चर में भी इंटरवल होता है तो यहाँ इंटरवल क्यों नहीं चाहिए यहाँ तो होना ही चाहिए यहाँ तो हम दिमागी रूप से कर रहे हैं ताकि जो पढ़ाई हो प्रोडक्टिव हो जो पढ़ाई हो कॉन्फिडेंस की हो जो पढ़ाई हो उसमें पूरा विश्वास है कि अभी क्वेश्चन आ जाए अभी कर देंगे जितनी तैयारी करी क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं वो होना चाहिए ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने बैठे और तीन घंटे चार घंटे पाँच घंटे छः घंटे पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो और बाद में उठे सिर पकड़ के उठे क्यों भाई ऐसा किया सब पढ़े ख़त्म ये केवल दिखावे की क्वांटिटी अवर्ज पढ़ाई इसका कोई आउटपुट नहीं है लेकिन अगर आप दो घंटे बाद डेढ़ घंटे बाद जब भी आपको लगता है ब्रेक फॉर बैटरमैन के हिसाब से ब्रेक लिया है आप उठते हो तो लगता है यस एक्साइटमेंट है एनर्जी है कॉन्फिडेंस है लॉ क्वेश्चन अभी कर देते हैं आप कभी ऐसे पढ़ाई करके घर में चाहो तो अपने घर में किसी को भी अपना बना सकते हो एक अपने लिए मोटिवेटर आप सुबह बात कर लो आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैंने पढ़ाई इसे स्मार्ट तरीके से करी ब्रेक फॉर बैटमैन के साथ से पढ़ाई करी शाम को आप मुझसे पूछ लेना या शाम को मैं आपको बोलूँगा कुछ भी इसमें पूछो जैसे बायो में कुछ याद किया है कुछ भी जहाँ पे कोई थ्योरी नॉलेज के हिसाब से हो कोई आपके नोट्स है उसमें कुछ पूछना हो क्वेश्चन के हिसाब से और कोई सब्जेक्ट का आपको मिल जाए घर में बहुत बढ़िया सोने पर सुहागा तो वो जब आपसे पूछेंगे तो एक तो आप में एक्साइटमेंट भी रहेगा और वो पूछेंगे और फिर आपके पीठ थकपाएँगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा सबसे तो खुद का होता है मोटिवेशन सबसे अच्छा लेकिन वो भी आपके अपने नियरेस्ट डरेस्ट घर के जो भी हैं पेरेंट्स में फादर है मदर है कोई बड़े भाई है बड़ी बहन है कुछ भी है जो भी है वो आपके लिए अच्छा मोटिवेशन का काम करेंगे ये तरीका भी रख सकते हैं तो अब मैं इसके अंदर जो क्वालिटी एवर्ड्स की बात कर रहा हूं एक होता है क्वालिटी एवर्ड्स एक होता है क्वांटिटी एवर्स जब क्वालिटी एवर्स होगा तभी गोल अचीव होगा आती बात कुल मिला के गोल के लिए एक पूरा तीनों सब्जेक्ट को अच्छा तैयार करना है तीनों में ऑलराउंडर होना जरूरी है तीनों में अच्छा रिविजन जरूरी है तो एक बड़ा लक्ष्य हमने ले रखा है कहते हैं आप जब भी एक दिन भी पढ़ाई करने बैठे तो सुबह से शाम का पूरा एक साथ लक्ष्य मत लेके चलिए आप सिटिंग के लिए बोलिए या मुझे इसको करना है लेकिन जब तक ब्रेक नहीं पॉइंट आएगा तब तक मैं इसके लिए कोशिश करूंगा अब जैसे आप कोई चीज रिवाइज करनी है थ्योरी पढ़ रहे हो कोई आपको चीज़ याद करना है बायो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है तब तो आप बोलो कि जब तक ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाए और जब क्वेश्चन से लड़ रहे हो तो वहाँ ये लेके चलो कि जब तक तो चारों खाने चित न हो जाएं तब तक क्वेश्चन से लड़ते रहेंगे हो सकता है बीच में आप ब्रेक लेके कोई अपना मोड चेंज कर लें और वापस क्वेश्चन से ट्राई करें तो कई बार क्वेश्चन हो जाता है लेकिन ये सब कहलाती है क्वालिटी आवर्स ये आपकी क्वालिटी है आप एक क्वेश्चन के पीछे पड़े आपसे एक बार नहीं हुआ दो बार नहीं हुआ ट्राई कर लिया एक सेटिंग में उठ गए हल्का सा मम्मी से बात कर ली घर में किसी से बात कर ली हल्का दिमाग रिलैक्स हुआ वापस आके बैठे कोई आइडिया आया दिमाग ऐसा चला क्वेश्चन हो गया ऐसा हो जाता है अपनी पढ़ाई में देख सकते हो ये सब क्वालिटी एवर्ड्स है इसमें हमेशा पढ़ाई के साथ चेहरा ऐसा रहता है कॉन्फिडेंस इसमें केवल और केवल दिखावे की पढ़ाई और परेशानी परेशानी इसलिए कहते हैं क्वालिटी एवर्स के अंदर ब्रेक फॉर बेटरमेंट हमेशा ब्रेक लेना चाहिए अब ये जो आपकी पढ़ाई है इस गोल को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपका जो बड़ा लक्ष्य है उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया और एक छोटा सा जो टुकड़ा है एक लक्ष्य उसके पीछे पढ़ो पहले छोटे से लक्ष्य को गढ़ो फिर उसके पीछे पढ़ो और फिर आराम से दिल लगा के मन लगाकर तब तक पढ़ो जब तक कि ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता कंसंट्रेशन का बहुत क्वालिटी आवर्स की पढ़ाई ही रिजल्ट आती है वही कुछ आपको जो गोल है वहां तक पहुंचाती है मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं ये आपका क्वालिटी अवर्स स्मार्ट वर्क क्वांटिटी अवर्स हार्ड वर्क इससे मालूम नहीं कि डेस्टिनेशन मिलेगा नहीं मिलेगा पूरी चांस से नहीं मिलेगा और इसमें पक्का आप अपने पहुंच जाओगे मंजिल तक डेस्टिनेशन तक इसलिए आज जमाना स्मार्ट वर्क का है जो कि एक वेक्टर नेचर है जो आपको अपनी मंजिल तक आपके मुकाम तक पहुंचाता है दिखावे की पढ़ाई घड़ी के हिसाब से कितने घंटे पढ़ रहे हो कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर हम तो चौदह घंटे पंद्रह घंटे सोलह घंटे रोज पढ़ रहे हैं गलत शरीर को भी आप फालतू में तकलीफ दे रहे हो और स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हो आप इस समय बारह घंटे एक कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते आप आप सोएंगे कंटिन्यू छः से सात घंटे आठ घंटे अगर मैं ट्वेंटी फोर आवर्स की बात करूँ तो ट्वेंटी फ़ोर आवर्स के अंदर आपके मेन दो काम हैं एक सोना और एक पढ़ना और बाकी काम आपका इसमें तैयार होना खाना खाना ब्रेक लेना ये सब जो है वो इसके कंपेयर में कम, कम समय लेते हैं तो अगर आप इनका पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपको लग जाएगा आराम से बारह घंटे की तो मेरी एक स्मार्ट स्टडी रेगुलर कंसिस्टेंट स्टडी अवर्स आ सकते हैं और कौन से अवर्स होंगे वो क्वालिटी अवर्स मैं बारी बार जोर क्यों दे रहा हूं क्योंकि आपको ब्रेक फॉर बेटरमेंट लेना चाहिए तभी सब्जेक्ट आपका वास्तव में आपको डील करोगे आप उसको फील करोगे और बाद में कॉन्फिडेंस आएगा तो इसमें स्कोर लाने में झील करोगे इसीलिए कहा था मैंने कोई भी आपने सेटिंग के हिसाब से पढ़ाई की बात सोची है एक छोटा सा लक्ष्य जो बड़ा टारगेट था उसके आपने छोटे छोटे पीसेस कर दिए और उसके बाद एक छोटा सा लक्ष्य गढ़ो उसके पीछे पढ़ो इस तरह से आप कोई भी बड़ा लक्ष्य जीवन में हासिल कर सकते हो आराम से गोल आपको लक्ष्य भेदन आपका पक्का होगा अब मेरी यहाँ पे बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट जो पढ़ाई है जोश जो होश के साथ चलनी चाहिए लेकिन जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए वो किस समय हो रहा है वो टाइम आपको मालूम होना चाहिए और उसमें नेगेटिव मार्किंग पैटर्न है टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है ये सब बातें मालूम होनी चाहिए इसलिए आपको अपनी पढ़ाई के अंदर इनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी सबसे पहले ये दिमागी खेल के जो नियम हैं वो हमको दिख रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले आता है टाइम लिमिटेड होता है तो आपको अपनी स्पीड एक्यूरेसी दोनों पे कंट्रोल करना है पेपर अटैम्प करने की आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप पेपर करके उठो तो आपको लगे यस मेरा आता हुआ कोई छोटा नहीं इतना फोकस पेशेंस के साथ पूरा कंसनट्रेट होके अटैप किया है कि कोई गलत नहीं हुआ और जब उठ रहा हूं तो इससे ज्यादा नंबर आज मेरे आ नहीं सकते दिस योर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन ये तरीका होना चाहिए अब इसमें आपका अटैम्प करने का तरीका ऐसा हो क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो आप ऐसा करो कि शुरू में स्कोर आपका फटाफट डेवलप हो जाए और आपकी कहीं पे कोई सिली मिस्टेक भी नहीं हो मैं सिली मिस्टेक को वापस डिस्कस करूंगा अभी पेपर अटैम्प करने में जो आपका एग्जाम पैटर्न है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप पेपर को हमेशा राउंड में करो टेक इट इजी एंड मेक इट ईजी क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा टेस्टिंग वाले क्वेश्चन कैसे टेस्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको बस केवल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है चारों ऑप्शन को भी पढ़ना है और फिर ढंग से उसको पूरा फोकस होकर टिक करना है ताकि कहीं कोई सिले मिस्टेक ना हो जाए उन क्वेश्चन को हर सब्जेक्ट में जो हैं उनको पहले कर लीजिए किसी भी ऑर्डर से स्टार्ट करिए बायो से करो कि फिजिक्स से करो कई बच्चों का अपना इंटरेस्ट बायो में ज़्यादा होता है किसी का फिजिक्स ज़्यादा होता है फिजिक्स में हो कि बायो में हो कुल मिला आपको बेस्ट स्कोर प्रोड्यूस करना है मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मुझे मालूम है कि बायो का 50 परसेंट वेटेज भी है और बायो में स्कोरिंग ज़्यादा फास्ट होती है कम समय लगता है ज़्यादा स्कोर आउटपुट होता है मैं स्टार्ट बायो से करूंगा लेकिन बायो के पीछे नहीं पढ़ूंगा मैं पहले बायो के ईजी क्वेश्चन करता जाऊँगा और आप जानते हो क्वेश्चन पढ़ते ही मालूम पड़ जाता है क्वेश्चन अभी होगा कभी होगा या कभी नहीं होगा मैंने पहले बायो के ईजी कर लिए आराम से काउंटिंग के कितने हुए उसके बाद मान लो मुझे केमिस्ट्री बीच में लेना है केमिस्ट्री को मैंने कर लिया ऐसे ही उसके इजी कर लिए और लास्ट में फिजिक्स को भी मैंने कर लिया मैं क्यों बीच में केमिस्ट्री को ले रहा हूँ एक तरीका बता रहा हूँ बच्चों सैंडविच का तरीका मान लो मेरे फिजिक्स में तो मेरा सब्जेक्ट इलेक्टिव है मैं फिजिक्स के हिसाब से टीचिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ वो मेरा सब्जेक्ट है और बायो मेरे को स्कोर लाना है इसलिए बायो को पहले किया बीच में केमिस्ट्री क्या रह गई सैंडविच के दो ब्रेड पीसेस के की आलू का मसाला की तरह तो वो अपने आप दोनों जगह जी अच्छी है एक, एक स्कोरिंग है एक मेरी टेस्टिंग के हिसाब से तो इंटरेस्टिंग है तो उसकी भी खुशबू दोनों के पहुँच गई और केमिस्ट्री मेरा अच्छा हो गया फिर मैं आराम से फिजिक्स में इजी कर लूँगा एक राउंड तीनों का लगाऊंगा और आराम से ये मेरा स्कोर इतना हो जाएगा कि मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए एक सीट पे रुमाल रख दिया एक सीट मेरी पक्की होगी जैसे ही मुझे लगा कि मेरा मेडिकल कॉलेज में घर बन गया मेरे नाम के आगे फर्स्ट ईयर एम्बुलेंस लग गया डॉक्टर बट लग गया तो अंदर में अलग ही तरह की खुशी होगी जिस पल हम अपनी चाहत को हकीकत में महसूस करते हैं हमारी खुशी अलग ही तरह की होती है और बच्चों आप बायो पढ़ते हो बायो में आपने पढ़ा भी होगा कि जब कोई अचानक आपका सपना हकीकत में कन रोजाए तो बॉडी में कोई स्पेशल हारमोन्स का रेट ऑफ सेक्शन बढ़ जाता है ये हारमोन्स का आप नाम भी पढ़ते हो और काम भी पढ़ते हो याद भी रखते हो लेकिन हर पर ये थ्योरी लगती है वो जो हारमोन्स जिनका स्पेशल कुछ काम है वो क्या काम करते हैं वो आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और आपको ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई पहुँचाते हैं गजब के फ़ायदे हो गए एक तो पॉजिटिव एनर्जी का मतलब आपकी कैपेसिटी बढ़ गई और दूसरा ब्रेन को ज़्यादा पहुंच रही ऑक्सीजन यानी ब्रेन ज्यादा अलर्ट हो गया एक्टिव हो गया उसकी मेमोरी वापस से गजब की हो गई पहले से भी ज़्यादा मेमोरी हो गई तो अगला राउंड तो आपका मिराकल होगा हालांकि डायनेमिक फॉर्म में होंगे अगले राउंड में तो जो पहला कुछ याद नहीं आ रहा होगा याद आ जाएगा क्योंकि ब्रेन ज़्यादा अपनी मेमोरी तैयार कर चुका है ज़्यादा एक्टिव हो चुका है ज़्यादा अलर्ट हो चुका है अब इस ब्रेन को कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज कन्फ्यूज भी नहीं करेगी और डायनेमिक का मतलब अब दिमाग चलेगा क्या स्टाइल से घोड़े के दौड़ेगा भी इसलिए अगले राउंड में तो आप वो क्वेश्चन भी कर जाओगे जिसको आपने पहले राउंड में छोड़ा था ये स्मार्ट तरीका पेपर को अटैम करने की स्ट्रेटजी है ऐसा तरीका जिसमें आपका कभी पेपर में कोई छूट नहीं सकता सीधे मिस्टेक की बात हम फोकस होकर कर रहे हैं कोई गलती नहीं होगी और जहाँ भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी कहीं जल्दी करी तो जल्दी से देर भली वो तो ध्यान रखना ही है अब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये चीज़ क्या है आपका पढ़ने का तरीका क्या है आप रात को देर तक जग के पढ़ते हो कोई एग्जाम आपका रात में नहीं होगा और दिन में सोते हो कभी पेपर का फॉर्म भर रहे हो आप नीट के लिए ये नहीं पूछेंगे आप कब एग्ज़ाम देना चाहते हो दिन में कि रात में वहाँ चॉइस नहीं होती एग्जाम तो आपका दिन में जो टाइम है जैसे लास्ट टाइम दो से पाँच हुआ था इस टाइम जो भी होगा आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम का टाइम है दो से पाँच या जो भी डिसाइड होता है उसमें मैं एक्टिव मोड में रहूँ उससे मेरी बेस्ट एफिशिएंसी हो तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कोई लोग जल्दी बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह चार बजे पाँच बजे लेकिन एग्जाम रहा दोपहर में दो से पाँच है तो मान लो तब तक इतनी एक्टिविटी हो गई कि वो रहा नहीं इतना कंसंट्रेशन इसलिए वो भी ध्यान रखना है इसलिए आप अपने लिए ऐसा तरीका रखिए कि दो से पाँच का टाइम और आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक लगभग चार घंटे का टाइम आप हमेशा एक्टिव मोड में रहें उसकी प्रैक्टिस रखें हमेशा अपना शेड्यूल ऐसा रखें इस समय हमेशा घर में पढ़ाई करते हूँ सिटिंग करके टेबल कुर्सी पे कुर्सी बैठ के ढंग से पढ़ाई करते हो क्योंकि यही माहौल आपको वहाँ पर रहेगी इसी की आपकी हैबिट डेवलप होनी चाहिए इसी की हैबिट से वहाँ पर फिर आप कुछ गजब का आउटपुट दे पाएंगे ये बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है हमारी पढ़ाई के हिसाब से हमें जब मन लगता था हम पढ़ते थे लेकिन अब एग्जाम का टाइम पास आ रहा है तो हमको धीरे धीरे अपने को कन्वर्ट करना होगा कि दो से पाँच में हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल सही रहे ये बातें ध्यान रहेगी तो अपने आप ही सिली मिस्टेक कम होगी लेकिन अब सिली मिस्टेक के लिए खास बात क्या है तो इस पर केवल इसका रूट ट्रीटमेंट करिए पहली बात तो सिली मिस्टेक कभी भी हमारे किसी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन में चैलेंजिंग क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन पढ़ाई नहीं तो क्या क्वेश्चन उनमें कभी नहीं होती हमारे सिली मिस्टेक होती टीनी क्वेश्चन में प्लेन क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन में क्योंकि एक तो पहले ही प्लानिंग से जाते हैं जो मुझे आता है तो उसे जल्दी कर दूंगा जल्दी कर दूंगी और जब उसका क्वेश्चन दिख जाता है एग्जाम में तो खुशी हो जाती और खुशी में पहले प्लानिंग थी और खुशी भी हो गई और ज्यादा जल्दी हो गई वहां फिर गलती होनी है हर क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन होता है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए बना हूं पहले तुम मेरे हो जाओ तुम मैं तुम्हारे लिए बना हूं बस तुम पहले मेरे हो जाओ फिर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा हम क्या करते क्वेश्चन कर रहे हैं जो उसके पास में आगे कोई क्वेश्चन दिख गया इजी और लाट पक गई और मालूम पड़ा इसका भी फोकस हटा ये भी गलत हुआ और वो जल्दी करना है वो गलत हो नहीं है इस एट प्रेजेंट एक क्वेश्चन पे प्रेजेंट रहो फोकस रहो कंसंट्रेट रहो पढ़ाई के रीडिंग स्टेप को अगर आपने ढंग से किया तो पढ़ेंगे सही तो समझेंगे सही समझेंगे सही तो सोचेंगे सही और सोचेंगे सही तो करेंगे सही दूसरा सिली मिस्टेक जो भी आपकी सिली मिस्टेक हो रही हैं उसमें आप कारण देखिए किस कारण से हो रही है क्या क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा क्या सारे ऑप्शन चेक नहीं किए क्या यह ध्यान नहीं रखा कि क्या पूछा है उसके हिसाब से लास्ट तक ध्यान रखा नहीं रखा कई बार आपसे पूछते विच इज नॉट करेक्ट विच इज इन करेक्ट तो आपको पहले ढंग से पढ़ना भी कि नॉट करेक्ट आते हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन बड़े शातिर दिमाग के लोग हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग करने वाले ये बच्चों को चेक करते हैं कि बच्चा एलर्ट है और साथ साथ लास्ट मोमेंट तक उसको पूरा ध्यान है कि नहीं है आज आपसे पूछा चाहे नॉट करेक्ट इनकरेक्ट यानी कि आपको गलत छांटना है हमारा पढ़ाई का तरीका क्या होता है जब भी कोई पढ़ाई में कोई क्वेश्चन पूछेंगे करेंगे तो हम सही छाटेंगे सही जवाब देंगे क्लास में भी कोई सर पढ़ा रहे होंगे तो ये नहीं बोलेंगे बेटे को गलत आंसर बताओ तो ये भी नहीं बोलेंगे सही आंसर बताओ तो बोले आंसर बताओ तो और हमारी आदत क्या है सही बोलने की वहां भी सही पूछने की लेकिन यहाँ क्या पूछा है गलत तो हमको क्या करना चाहिए इनकरेक्ट पर या नॉट करेक्ट पे एक डार्क अंडरलाइन कर लीजिए वहाँ हल्का सा जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है ऊपर वहाँ क्रॉस दिखा दो इसका मतलब हमको ध्यान रखना है कि आज गलत छाटना है वो आपको नजर दिखता रहेगा तो आपसे इसलिए मिस्टेक नहीं होगी इससे दो तीन फायदे होंगे आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे हर ऑप्शन को चेक करेंगे यार गलत छाटे तो सही है नहीं ये नहीं ये यार ये तो मालूम ही नहीं क्या है ये हाँ ये तो बिल्कुल सही है ये भी नहीं ये ये भी बिल्कुल सही है ये तीन तो सही हो गए छाटना गलत है अब तीन को तुमने सही कर दिया छाटना गलत है तो फिर जिसके बारे में कुछ नहीं बोल पाए वही तो आंसर हो गया ये आपने मिराकल कर लिया सारे ऑप्शन भी पढ़े लास्ट तक आपको ध्यान भी रहा उस क्रॉस के कारण कि आज मुझे गलत छाटना है और आपको आंसर नहीं आता था तो आपने तीन को फेल कर दिया नीट थी क्रॉस की तीन आंसर क्या देखे थे राइट तीन को फेल कर दिया तो जो रहा भाई आपका आंसर हो गया बच्चों ये कहलाता है स्मार्ट तरीका ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें आप इस तरह से करेंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से डायरेक्ट आंसर नहीं जानते होंगे तो भी कर लेंगे और आपसे सिली मिस्टेक भी नहीं होंगी सिली मिस्टेक कैलकुलेशन की भी होती है आपका क्वेश्चन है आप न्यूमेरिकल कर रहे हो आपने प्रॉपर यूनिट कन्वर्जन किया कि नहीं किया आप आंसर लिख रहे हो आप देख रहे हो आपका आंसर किस में आया सेंटीमीटर में कि मीटर में ऑप्शन में सेंटीमीटर भी है मीटर भी है और आप आराम से टिक कर रहे हो आपको देखना होगा कि यूनिट कौन सी मीटर है कि सेंटीमीटर है ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप चेक करोगे तो आपको लग जाएगा इन्हीं कारण से सिली मिस्टेक हो रही है। सिली मिस्टेक में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो लगते यार कि शायद मैं ही कर रहा हूँ जबकि सब लोग कर रहे हैं जो लोग इसके अंदर हल्का सा भी लूज कर रहे हैं कंसेंट्रेशन और अगर आपने इसको फोकस करके किया तो सिली मिस्टेक को आप आराम से दूर कर सकते हो

मान लीजिए आपने कहीं पे सिली मिस्टेक में इनकरेक्ट करेक्ट करेक का ढंग से ध्यान नहीं रखा उसको लिख लीजिए कभी आपने कोई न्यूमेरिकल कैलपन गलती करी तो आप देख लीजिए यूनिट का ध्यान रखना है प्रॉपर रूप से पावर को सॉल्व करना है इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और कई जगह आप अपने लिए आराम से जो और नई मिस्टेक आ रही है उसको जोड़ते जाइए एक कोरे कागज़ पर इसको लिख लीजिए और इसको अपने रूम में जो भी पढ़ने का आपका कमरा उसके सामने की दीवार पर लगा दीजिए जब भी पढ़ने बैठेंगे मेन काम वही तो करना है आपको नज़र से नज़र मिलेगी और आपको लगातार आपको वो चीज़ एलर्ट करेगी आपको हर दिन उसमें कुछ ना कुछ एलर्टनेस से सुधार मिलेगा और धीरे धीरे आपसे वो सिली मिस्टेक दूर होती चली जाएंगी तो ये कुछ चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इन स्मार्टनेस के साथ अपने बायोलॉजिकल क्लॉक का ध्यान रखते हुए एग्जाम पैटर्न का ध्यान रखते हुए इन सिली मिस्टेक जिनका सबसे ज़्यादा लॉस होता है जो बच्चे लोग कॉमन डिजीज मानते मानते नहीं यार थपकी होती है आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताज्जुब करोगे अभी टॉपर टॉपर स्टॉक हुआ था तीस मई को तो शोब हफ्ता उसमें आया था बच्चों ने पूछा कि आपकी तो सिली मिस्टेक होती नहीं होगी आपकी तो फूर है सेवन ट्वेंटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी मार्क्स आ गए तो बोले मेरी सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होती थी मैंने मिशन बना लिया कह रहे तो सिंपल इजी क्वेश्चन में होती ये एक भी नहीं होने दूंगा मैं और आपको मालूम है लास्ट टाइम एग्जाम दो में जो हुआ था क्या पैंडेमिक कंडीशन थी क्या ऑपोजिट कंडीशन थी क्या लॉकडाउन कंडीशन चल रही थी और कितनी बार डेट खिसक रही थी तो भी उसने हर तरह से अपने को कोई स्ट्रेस नहीं आने दिया प्रेशर को हैंडल करता रहा और मिशन लेके चलता रहा और एक दिन उसका ऐसा लगा यस अब मेरे से लिए मिस्टेक नहीं होगी जितनी तरीके होती थी सब मिस्टेक हट चुकी थी और पेपर लास्ट टाइम कंडीशन पैंडेमिक था उस समय भी ईजी आया इस समय तो इससे भी हालत खराब थी इसलिए बोर्ड के एग्जाम ही कैंसिल हो गए तो बच्चा मान के चलो ट्वेल्थ रनिंग के हिसाब से आपके लिए गजब की ऑपरचुनिटी है इस बार नीट का पेपर आप मुझसे नोट कर लो मैं लिख के देता हूं इस बार पेपर और इजी आएगा यानी आपके ईजी क्वेश्चन बैंक ज्यादा होगा आपका सलेक्शन आसानी से साल हो सकता है आपको दिख रही प्लानिंग के अंदर बस सिलिम मिस्टेक पे कंट्रोल करना है तो बच्चों सुधार के साथ निखार आएगा पक्की बात है कि सिलिम मिस्टेक पे कंट्रोल कर लिया लेकिन पढ़ाई से इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है दोनों तरह की मेंटल भी और फिजिकल भी एक तो मेंटल कोई नेगेटिव बात आनी नहीं चाहिए कि यार कितने लोग तो ट्वेल्व के बाद दो के बाद दो 20 के बाद से पढ़ाई कर रहे हैं जबकि मैंने शुरू में कहा था कि वो लोग इस चिंता में कि इनको तो यार बोर्ड एग्जाम देना नहीं पड़ा इनकी तो लॉटरी लग गई इसलिए अपने को हमेशा खुश नसीब मान के चलो नेगेटिव कोई बात नहीं आनी चाहिए आपके मन में आना चाहिए कि ट्वेल्व के साथ मेडिकल कॉलेज में जाना सबसे आसान होता है क्योंकि आपके फेवर में आपका एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी सी है और उसके एन बुक है तो वैसे डॉक्टर साइन भी क्या है पॉजिटिव है इसलिए किसी प्रकार के आपके कहीं भी मेंटल हेल्थ के हिसाब से कोई नेगेटिव सोच नेगेटिव थॉट्स बात नहीं आनी चाहिए और दूसरा फिजिकल हेल्थ के हिसाब से आपको मैंने बताया है आप अपने लिए आराम से थोड़ा सा अपनी बॉडी के लिए ये जो प्राणायाम है ये कर सकते हो और दूसरा जो डाइट है उसको गर्मी के हिसाब से रात को कभी हैवी डाइट मत लेके चलो और इस समय वो चीज़ ज़्यादा लो जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए और जो आपके लिए सीजन के हिसाब से फ्रूट्स हो सीज़न के हिसाब से ग्रीन वेजिटेबल हो फाइबर वेजिटेबल हो प्रोटीन डाइट्स लो बैलेंस डाइट लो हाइजीनिक डाइट लो बाहर की कोई चीज़ खाओ मत जो भी चीज़ खाओ घर की खाओ इन बातों का केवल कंट्रोल रखना आगे आपको चौवन दिन फिफ्टी फोर डेज़ के लिए फिफ्टी फोर डेज़ के लिए केवल अपना जीवान पे कंट्रोल कर लो इसके टेस्ट को भूल जाओ और पढ़ाई के अंदर टेस्ट लिया हो अच्छा इंटरेस्ट लिया हो समय कैसे निकलेगा मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि शुरू में कहा था अंडरग्राउंड तो होना ही है तो घर के जो कमरा आपका है उसको आपने अपनी दुनिया बना लिया और अपने लिए फिजिकल हेल्थ के लिए भी एक टाइम दे दिया बीच बीच में आप कुछ छोटी मोटी क्रियाएं भी कर सकते हो सूक्ष्म क्रियाएं भी कर सकते हो छोटी छोटी एक्सरसाइज भी कर सकते हो आज आपके लिए लंग्स कैपेसिटी बढ़ानी है तो आज आपका सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर्स लोग जिनको कोरोना होता है उनको बाद में कहते हैं कि आप वाइटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नाड़ी शोधन अल्लोम विलोम प्रायाम जरूर करो और लोगों ने किया है और जो ऑक्सीजन पे सपोर्टेड पे आ गए थे वो धीरे धीरे लंग्स कैपेसिटी बढ़ती गई बीच में जब उनको ऐसा लगा कर सकते हैं और करके धीरे धीरे ऑक्सीजन सपोर्ट से फ्री हुए और बाद में नॉर्मल ब्रीथिंग पर आ गए ये इस समय संजीवनी का काम किया इसने अलोम विलोम प्रायाम ने तो आप अपने लिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखें फिजिकल हेल्थ में मैंने बोला है थोड़ा सा खाने में विशेष ध्यान रखें रात को कभी भी हैवी नहीं खाएं और हमेशा दिन में ऐसा रखें कि ऐसा नहीं भर पेट खा गए और दिन में सो गए दिन में तो आपको मालूम है दो से पाँच अपने को एक्टिव रखना है बायोलॉजिक क्लॉक के हिसाब से ठीक है तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें वो फिजिकल हो या मेंटल हो अब पूरा विश्वास है कि आप अपने पढ़ाई के सफर में एलन ने अपनी जो कोशिश करी है वो अपने हिसाब से है आप अपनी कोशिश कर रहे हो मिलकर हम चाहते हैं कि आपका ये साल आपको पहुंचा दे आपके मेडिकल कॉलेज में आपको अपने पे विश्वास करना होगा सबसे पहले कि मैं निकल जाऊंगा ट्वेल्थ के साथ जिसको खुद पर विश्वास होता है वही कर सकता है सबसे पहले आत्मविश्वास जरूरी है मैं तो कह रहा हूँ आत्मविश्वास तब तक रखो जब तक अंतिम श्वास चलती रहे और ऐसे बोलूंगा कहते हैं एक सांस आ रही है दूसरी जा रही तीसरी की तैयारी चौथे की बारी सिलसिला जा रही है बात समझ में आ रही है क्योंकि एक दिन मौत आनी है आएगी एक दिन जान जानी है जाएगी एक दिन ऐसी बातों से क्या घबराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ये मैंने लाइन क्यों गाई क्योंकि इस समय इसकी आवश्यकता है एक दिन जिंदगी के बाद जाना है वापस सफर तय करके निश्चित है लेकिन इन बातों से घबराना क्या है जब तक चले श्वास तब तक रखो आत्मविश्वास 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 खुद पर भरोसा है कि नहीं है यदि खुद में यकीन हो और खुद पर भरोसा हो तो हर सपना हकीकत बनकर होता है आपके पास जो इस बात पे करते विश्वास वो जिंदगी सफर में कभी नहीं होते निराश इसलिए प्यारे बच्चों जब तक चले श्वास तब तक रखो आत्मविश्वास 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 और आत्मविश्वास से आधी जीत तो पक्की हो जाती है तो आपका अगर खुद पर भरोसा हो और एल एन सिस्टम से आप चाहो तो जुड़ो लेकिन कुल मिलाकर अपनी पढ़ाई में जुड़ जाओ दिल से टच करो उस सपने को यदि दिल से करो टच और सपने होते हैं सच एक बार कहना मान के ये साल हो सकता है बाद में आपको ये साल अपनी लाइफ का गोल्डन ईयर के रूप में हमेशा याद रहे यार इस समय कोरोना भी आया था हमको अच्छा कोरोना टाइम में अच्छा अवसर मिला बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे हमने ध्यान दिया पढ़ाई करी पचास पचपन दिन लग गए और मालूम पड़ा तर गए और पहुंच गए मेडिकल कॉलेज तो आप चाहो तो इस साल ही अपने मेडिकल कॉलेज में घर बना सकते हो एलेन सर के साथ जुड़कर आपका स्मार्ट रिविजन हो सकता है एल अपना प्रयास किया है एल कोशिश कर रहा है कि बच्चों का बस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट वो कहीं वेस्ट नहीं हो उनका एक साल बहुत बड़ा होता है एक साल तो जिंदगी में कितना पीछे धकेल देता है और एक साल के बाद जब आप वापस तैयारी कभी करोगे 2022 के नीट के लिए तो लोग आपको बाहर से पुकारेंगे अच्छा ड्रॉप कर रहे हो क्या एक साल लगा रहे हो क्या वो ड्रॉपर वर्ड आपको अंदर से खोखला कर देगा वो नेगेटिव वर्ड है लोगों का रोक नहीं सकते उनके मुंह को पकड़ नहीं सकते आप ये नहीं बोले मुझे डिवोटर बोलो वो आपको ड्रॉपर ही बोलेंगे मैं आपको भी डिवोटर बोलूंगा कि आप जब ऐसे भी कभी कर, करो कोई भी करो क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होता है कोई भी करो तो अपने को डिवोटर मानना कि लाइफ का एक साल डिवोट कर रहा हूँ डेडिकेट कर रहा हूँ और डिवोशन डेडिकेशन से हमेशा सक्सेस मिलती है लेकिन क्यों हम आगे का इंतजार करें हम अभी जो है उसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वो तो करें तो अपने पर विश्वास करो और मित्रा सा बोलूंगा अपने पे विश्वास करो एल एन सर पर विश्वास करो जो तैयारी का आपको दिग्ञा है तैयारी कैसे करें सब मालूम पड़ चुका है कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तो खुद पर और एल पर विश्वास करो ज्वाइन करो एल सर और 2021 में मेडिकल कॉलेज को बनाओ अपना घर जल्दी शुरू करो एलन सर के साथ अपना सफर चाहे तो एल से जुड़ो कहीं से भी जुड़ो कुल मिला दिल से मन से पढ़ाई से जुड़ो हम तो यही चाहते हैं कि आप इसी साल अपना मेडिकल कॉलेज में घर बना हुआ देखें और ये आपको सक्सेस ऐसी याद रहे कि जिंदगी भर आप बोलें यार कोरोना टाइम ने मुझे अपने सपने के हिसाब से मेरी मंजिल से मिला दिया था चलते चलते यही बोलूँगा एलन सर ने आपकी जो तैयारी करी है वो आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर जो आपसे बात करी थी फिफ्टी टू डेज रह गए हैं आपके इसमें जो क्वेश्चन होते हैं पर डे तीनों सब्जेक्ट के मिला के सिक्स टू सेवेंटी फाइव उसके हिसाब से इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी क्योंकि आपसे कहा था जितने भी सिलेक्टिव सब टॉपिक होते हैं उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की होगी जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होगी एलन सर की पूरी डिटेल आपको भी एलन का जो एक अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है पब्लिक चैनल उस पर हर इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी अभी भी आप देख सकते हैं उस पर आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैंने शुरू में आपसे कहा था अपनी एनर्जी को कभी भी अंडस्टिमेट करना कि मेरे को यार एनर्जी मेरी एनर्जी तो हनुमान जी जितनी है बाहुबली के तरह आपने शुरू में अपना एक कमिटमेंट कर लिया था तो उस तरह से अपने को आगे ले चलना ये आपके लिए जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको आगे सारी इन्फॉर्मेशन एलन सर की मिलती रहेगी और आपका जो कोर्स चालू हो रहा है एल सर पे दूसरा एल सर टू पॉइंट ओ फिफ्टी डेज कोर्स है दस जून से स्टार्ट हो रहा है डिटेल आपको इसमें दिख रही है इसमें तीन पार्ट टेस्ट होंगे और एल के एल एन नीट के रूप में फुल सेलेबस जिसको बोलेंगे एल एन नीट दो टेस्ट होंगे और इसमें खास बात होगी कि एल के जितने भी क्लासरूम स्टूडेंट्स होंगे वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको उनके बीच में एक एज ए फाइट करने का एक जो कंपटीशन है उससे मालूम पड़ेगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं उसमें ये मत सोचना कि यहां इतने में ये रैंक तो वहां कितनी रैंक होगी ये केवल अपने को हैबिचुअल करने का तरीका है कि आपने अगर दो ऐसे एलेन की नीट दे दी तो आपको फाइनल जो नीट एक अगस्त को है जिसकी डेट मान के चल रही है एक अगस्त को है वो आप आराम से देंगे और नेक्स्ट एल सर कोर्स स्टार्ट फ्रॉम टेंथ जून सो डियर योर फेस शुड बी शाइन विथ हंड्रेड परसेंट जुनून जब तक कि फाइनल डे आप अपनी हैप्पी एंडिंग करके नहीं आ जाए तो अंत में चलते चलते मैं ये बोलूंगा चले जो साथ ना रुकेंगे हम चले जो साथ ना रुकेंगे हम मंजिल से पहले ना थकेंगे हम बच्चे वादा करो हम चल रहे हैं साथ इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चल रहे हैं रोज नहीं मिल रहे हैं लेकिन दिल में यही है आपके लिए कि आप अपने जो चाहत है उसको हकीकत में कन्वर्ट करें बस उसकी आपकी शिद्दत होनी चाहिए अंदर से बर्निंग डिजायर होनी चाहिए तो चले जो साथ में रुकेंगे हम मंजिल से पहले न थकेंगे हम जीतने का जुनून है सवार हर हाल में, ट्वेंटी ट्वेंटी वन में पहनेंगे अपने जीत का हार अगर करते इस बात पे विश्वास तो मुस्कुराओ मेरे यार अरे बच्चों बनके हमेशा मुस्कुराते रहो तो मुस्कुराओ मेरे यार और अभी से एडवांस में करो अपनी कामयाबी के लिए तालियों की बौछार क्योंकि एक सीट मेडिकल कॉलेज में कर रही है आपका इंतजार डू योर बेस्ट योर बेस्ट ऑल द बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट फॉरगेट द पास्ट वॉच द प्रेजेंट एंड की बेटर टुमारो इस सफर में आगे के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो अपने इस मेन पढ़ाई का जो सृजन कार्य है क्रिएटिव वर्क है प्रोडक्टिव वर्क है इसमें अपने को ढंग से क्वालिटी अवर्स के रूप में स्मार्टनेस की तरह व्यस्त रखो दिमाग से दुरुस्त रहो शरीर से तंदुरुस्त रहो ऐसे विश्वास के कदम लगातार मंजिल को बढ़ाते रहो याद करते रहो या आते रहो आप मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं आराम से मैं चाहता हूं हर बच्चा अपना इस उम्र में जो सपना देख रहा है वो उसका अपना हो जाए साकार हो जाए आप आराम से एल के जो पब्लिक चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं जो कि आपका टेलीग्राम का है और आप मुझसे भी आराम से चाहें तो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर कहीं पे जुड़ सकते हैं ताकि आपको कोई भी आगे के ट्रैक में अभी जो 50 पचपन दिन का टाइम है कुछ भी बात चाहिए तो हम लोग आपको इसमें हर जगह सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे Thank you very much. Namaskar. Jahin.